Are you ready? एक नया अंदाज मिलेगा, खुशियों का एक राज खुलेगा, रास्ता जो सबके साथ चलेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, गेम शो ऐसे चलेगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? यार आके अपने शॉर्ट्स क्यों देख रहे होते हैं पहले मुझे ये बताएं। आधे से ज्यादा लोग अपने आप को देख रहे होते हैं। मैं कितनी बार बताऊंगा, हर प्रोग्राम में जब मैं बोल रहा होता हूं तो और कोई नहीं आता, सिर्फ मैं आता हूं। अभी भी देख रहे हैं आप लोग, सिर्फ उस वक्त आते हैं जब तालियां बजाते बजाए आए। देखा आपने, चले तालियों से याद आया, आज पोटली कौन कौन खेलेगा? जहां से मुझे शोर आता है मैं सिर्फ उनको बुलाता हूं। आज मैं ऐसे ही उतार लेता हूं यार। कौन आएगा पीछे से? एक मिनट, एक मिनट, सबने खेलने आना है ना, तो पहले मेरी टीम के लिए बहुत सारी तालियां। अब बताए कौन आएगा? शोर चाहिए मुझे। चले आप लोग आएंगे? कहां इशारा कर रहा हूं, कहां कर रहा हूं? जहां मैं इशारा कर रहा हूं वहां कोई नहीं बैठा हुआ। अपने अपने कुबल्स निकालिए, जल्दी जल्दी। 4-1300 सीसी कार से आज हमारे पास, और एक 4000 सीसी भी है। रेडी है सब? GS384, GS384 किसका नंबर है? आइए जल्दी से, जब तक ये नीचे आएंगे क्वेश्चंस करूंगा। कोई है जो जवाब देगा? कौन देगा? जो शोर करेगा उससे पूछूंगा, कौन देगा? उन्हें माइक दे, आपके पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? काशिफ। काशिफ, हॉकी, हॉकी खेल की इब्तिदा कौन से मुल्क से हुई थी? चले मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूं। ओके। इंडिया, पाकिस्तान या ईरान? पाकिस्तान। गलत। किसी को पता है? कौन देगा जवाब? तेरा माइक देना। इंडिया। इंडिया गलत जवाब, गलत है। इसका सही आंसर बचा एक जो के है ईरान। अब दूसरा क्वेश्चन करूंगा, कौन देगा जवाब? इनको माइक दीजिए जल्दी से। रिबेल की वॉच के लिए पैरामिड्स कौन से मुल्क में? पैरामिड्स मिस्र, इजिप्ट। इजिप्ट सही जवाब। रिबेल की वॉच, और कौन देगा जवाब जल्दी से बताइए? कोई है जो जवाब देगा? बहुत आसान सवाल है, इन्हें माइक दीजिए जल्दी से। क्या नाम है आपका? उज़्मा। उज़्मा खड़ी हो जाइए। दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर किसे कहा जाता है? पेरिस को। पेरिस को सही जवाब है। ज्वेलर की ज्वेलरी,
चलिए एक सवाल और, वो पीछे देखे आई माइक जल्दी से बोलो। क्या नाम है आपका? हुसैन। हिटलर के बारे में पता है आपको? जी। वो हिटलर नहीं जो हम कहते थे यार अजीब हिटलर हो तुम तो यार, जो असली हिटलर था। जी जी। उसका ताल्लुक किस मुल्क से था? जर्मनी। जर्मनी से। सही जवाब। रिबेल की वॉच। आज की ऑडियंस तो बहुत ही कमाल है यार, कोई गलत जवाब ही नहीं दिया किसी ने। एक बार अपने लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। जी क्या नाम है? क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन साहब आप? यास्मीन। यास्मीन सलाउद्दीन साहब क्या करते हैं आप? गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब करते हैं? कहाँ करते हैं? FBR में। FBR में? मैं दूर दूर ही रहूँ यानी। अच्छा क्या है लकी नंबर आपका? जी आपका लकी नंबर क्या है? 9। तो पोटली भी नंबर 9 की लाएंगे या चेंज करेंगे? जो जहन बनाएगा वो लेंगे। देखिए ये जो गेम है ना जी, ये दिल और दिमाग के दरमियान की जंग है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ काफी दफा प्रोग्राम्स के अंदर। तो दिल की सुनेंगे या दिमाग से खेलेंगे मेरे साथ? दोनों की। दोनों से तो नहीं खेल सकते हम, खेल लेते। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी आदमी की दो शादियां हो गई हो और वो ये गेम खेल ले दोनों बीवियों को ले आया। ये भी हकीकत है। ये भी हकीकत है। क्या दो शादी? यार बहुत सारी ताली होनी चाहिए यार। बेगम देखने के लिए क्यों बताया? आप सोचिए कि मेरी छठी हिस्स कैसे इनके ऊपर दो शादियों की बात की मैंने। चलिए आइए पोटली लेकर आते हैं। आपको बताइए दरवाजा कैसे खुलता है? जी कैसे? खोल जा सिम सिम। खोल के दिखाए। खोल जा सिम सिम। नहीं खुलेगा, आपको बोलना पड़ेगा बोल जा सिम सिम। अच्छा। बोल जा सिम सिम। ये हुई ना बात, नाराज हो गया दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। यार अब तो सही बोला है यार, बोल जा सिम सिम। मेरा इंतजार कर रहा है। नंबर 6 आ जाइए। इनका लकी नंबर है 9, लेकिन इन्होंने अपने लिए चूज किया है नंबर 6। स्ट्रेंज। ठीक है, ये पोटली मैंने आराम से क्यों रखी है? इस पोटली में ऐसा क्या है जो रखने से टूट सकता है? हैं? पाकिस्तानी अंडे के अलावा कोई और चीज नहीं हो सकती? ग्लास भी हो सकता है उसके अंदर? गाड़ी है? आपको क्या लगता है क्या है इसमें? कोई अच्छी चीज होगी। जैसे अंडा? कोई भी अच्छी चीज। कोई भी अच्छी चीज। कोई अच्छी अमाउंट की चीज। चलिए मैं देख ही लेता हूं कि इसमें क्या है। इससे पता चला कोई अच्छी चीज है, चमकदार चीज है। हाँ तो जरा चमकदार चीज है तो चमकीले बन के खेलिएगा आप। मैं आपको 50,000 रुपए देता हूँ, ले लीजिए और जाइए। अच्छी ऑफर है, चीज़ अच्छी है, आप बोल रहे हैं तो ऑफर बढ़ाइए। चीज अच्छी है तो तभी मैं बोल रहा हूँ तो ऑफर बढ़ाऊं। आपको क्यों लगता है इसमें अच्छी चीज है? अगर अच्छी चीज होती तो मैं पहली ऑफर 2-3 लाख रुपए की नहीं देता आपको। नहीं ये वजह नहीं है, थोड़ा खुशी के दिन आ रहे हैं, रमजान आ रहा है। हाँ जी ईद अच्छी बने, ये तो हम भी चाहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि 50,000 रुपए ले ले, ईद बहुत अच्छी बन जाएगी। 50,000 में कहाँ बनती है? अरे 50,000 में कितनी शॉपिंग हो जाती है भाई, कितनी हो जाती है, काफी सारी हो जाती है। कपड़े भी आ जाते हैं, जूते भी आ जाएंगे, और क्या चाहिए। अभी इन्होंने कहा कि ईद अच्छी होनी चाहिए, इन्होंने ये तो नहीं कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, इन्होंने नहीं कहा कि मुझे बाइक चाहिए। बाइक से याद आया, आप लोग आए कैसे? कैसे बाइक पे? बाइक पे आ गए। एक और बाइक ले आओ इनके लिए यार। चले बोल वाला स्क्रैच कार्ड की एक बाइक देता हूं और 1 लाख रुपए कैश देता हूं। नहीं ऑफर बढ़ाइए, अभी मजा नहीं। अभी क्या मतलब? अभी अमाउंट भी मुनासिब नहीं है। कितना अमाउंट आप सोच के बैठे हुए? इतना होगा हम वहां से उठ के आएंगे, इतना कमा के आज लेके जाएंगे। कुछ आपको देखते हैं आप क्या कर। मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ये पैसे मैं थोड़ी दे रहा हूँ, ये तो बोल वाले देते हैं। ऑफर बढ़ाए, ऑफर अभी मुनासिब नहीं। या पोटली के साथ जाएंगे?
भाई इनको पोटली दे दूं? क्या पता पोटली में कुछ नहीं है। इनको जल्दी से फारिग करता हूं तो फिर नेक्स्ट कौन आएगा, कोई है? इतने सारे लोग रेडी हैं खेलने के लिए, सबको बुला ले। सबको बुलाएंगे तो देंगे किस किस को? फिलहाल मेरे को सब फारिग करें। कर रहा हूं ना, लाख रुपए कैश, एक बाइक लीजिए और फारिग। थोड़ी सी ऑफर, चलिए 1.5 लाख रुपए, थोड़ी सी कहा ना आपने, 1.5 लाख रुपए कैश। आजकल ये कहां होता है थोड़े यार, 1.5 लाख रुपए किसको कम लगते हैं, जरा हाथ खड़ा करें। सिर्फ बच्चों ने हाथ खड़ा किया, और किसको ज्यादा लगते हैं जरा हाथ खड़ा करें। अगर मैं आप लोगों को 1.5 लाख रुपए दूं तो आप लोग रख लेंगे? रख लेंगे? कौन कौन रख लेगा? अंकल आप भी रखेंगे? आपको नहीं चाहिए ना, आप सबको चाहिए? तो वापसी में वो अंकल अब कुछ कह रहे हैं कि नहीं मुझे भी चाहिए। ये वहां बैठकर बोल रहे हैं सब, यहाँ आएगा तो कोई भी नहीं लेगा। ये बात, ये सब वहां बैठ के बोलते हैं, हाँ हाँ हम तो लाख रुपए भी ले लेते, 1.5 लाख भी ले लेते, जैसे ही आते 10 लाख से कम पे राजी नहीं होते कभी। बात सही है ना? सही है, आप प्रोग्राम देख रहे हैं यानी हमारा, बड़े गौर से। अच्छा प्रोग्राम में ही मैंने आपको कुछ बताया था कि मैं जो मेरा चलने का अंदाज है, या मैं जहाँ जाके आपको जितने पैसों की ऑफर देता हूँ, इसके पीछे कुछ चीज़ें हिडन हैं। ये सब बेकार। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ तो कैसे बेकार है? ये सिर्फ अकल का खेल है। नहीं ये किस्मत का खेल भी है। वो किस्मत अकल ना? नहीं किस्मत और अकल दो अलग अलग चीज है, साथ साथ है। मैंने शुरू में आपसे क्या कहा, दिल या दिमाग? दिल से खेलेंगे तो आपकी किस्मत हो जाएगी, दिमाग से खेलेंगे तो आपकी अकल है, फिर आप किस्मत की नहीं सुनेंगे। तो किस्मत से याद आया, मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ, आप अपने दिमाग से बोलिए कि 2 लाख रुपए ले, ये बाइक पर बैठे और ये जाए ना जाइए, मेरा क्या है, मैं तो ऑफर करने के लिए हूँ। जब मुनासिब लगेगी तो हाँ करूँगा। हम तीसरी शादी के लिए थोड़ी बोल ले कि हाँ कर दे, हम केक के लिए आए हैं, यहाँ पर मुनासिब लगेगा तो बोलूँगा हाँ कर दे। सही, चलिए 2.5 लाख रुपए ले लीजिए। नाइस, 2.5 लाख रुपए कैश, एक बाइक। बेटा आज तक की एलईडी लाओ, आज तो कितनी एलईडीज है, 11 11 एलईडीज है। किसको चाहिए एलईडीज? फिकर ना करें, सब आप लोगों के लिए है, सब देखे जाऊंगा। चलिए एक बाइक आ गई, एक आज तक की एलईडी आ गई, 2 लाख रुपए कैश भी आ गए। ईद तो अच्छी बन गई, रमजान भी अच्छे गुजर जाएंगे अगर थोड़ा सा दिमाग से खेले। दिल की थोड़े दिल देर के लिए सुनना जरा बंद कीजिएगा। ऑफर बढ़ाए, ऑफर 3 लाख रुपए चले, 2.5 बोले थे मैंने, 3 लाख रुपए दूंगा। 3 लाख रुपए, एक बाइक, एक आइस टैग की एलईडी, बहुत अच्छी ऑफर है ये। लाओ यार एक और बाइक लाओ। 2 बाइक्स हो गई, 3 लाख रुपए कैश, एक आइस टैग की एलईडी लीजिए और खुशी खुशी घर जाइए। अभी कम है खुशी भाई? वो क्या होता है कि लालच, तो लालच तो करना ही नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए ना? आप में से तो कोई नहीं करता? हाँ वहां बैठ के सब बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल लालच करते ही नहीं। दो बाइक्स आ गई, एक दफा देख तो लीजिए। सही है, आपको गाड़ी चाहिए मुझे लगता है, गालिबन जहन में गाड़ी घूम रही है आपके। जहन तो यही बनाया हुआ। तो जहन से खेल रहे हैं या दिल से खेल रहे हैं? अभी आप कह रहे थे भाई दोनों से खेल लो, बताया तो भाई लड़ क्यों रहे हो? भाई लड़ने की क्या बात है? बताया है ना गाड़ी का मूड है आज। अच्छा इसमें अगर गाड़ी नहीं है तो वो नसीब, तो मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे, जरा सोच समझ के खेलिए। चलिए 4 लाख रुपए दूंगा, ले लीजिए। 2 बाइक्स आ गई, सेकंड नहीं भाई, टोटल मिला के कितने की ऑफर हो गई? 5.5 लाख की ऑफर होगी तकरीबन। नहीं गाड़ी चाहिए, पुरानी नहीं चाहिए। पहले ये बताएं आपको नई गाड़ी चाहिए या नहीं गाड़ी चाहिए? नहीं तो आपने नहीं, नहीं क्यों बोला? नहीं
आपको नई ब्रांड न्यू चमकती हुई कार चाहिए। अच्छा यार, वो बीटीएल की गाड़ी है हमारे पास, बच्चों को बांट दी सारी। चलो बच्चा छोटा कोई नहीं है। मैंने कब कहा कि बच्चे हैं आपके पास? मैंने कहा और बच्चे इससे पहले वाले गेम में कभी आए होंगे, हमने उनको बांट दी वाली गाड़ी है। आपकी गाड़ी से याद आया, आपको क्या लगता है इसमें कौन सी गाड़ी होगी? गाड़ी तो गाड़ी होगी, छोटी हो या बड़ी हो। इसे भी गाड़ी कहते हैं? नहीं नहीं, ये बाइक है। नहीं लेकिन पहिए पे, मोटर बाइक, पहिए पे चलने वाली चीज वो गाड़ी ही कहलाएगी। तो भाई किस किस को लगता है कि पोटली में बाइक है? किस किस को लगता है? अच्छा, और किस किस को लगता है कि पोटली में अंडा है? आपको लगता है? ठीक है, बड़ा क्रूशल हो गया। आधे लोगों को लगता है इसमें अंडा है, आधे लोगों को लगता है इसमें बाइक है। आपको क्या लगता है, गाड़ी है? आधे लोगों को अंडा बांट दें और मुझे गाड़ी दे दे। नहीं तो फिर आधे लोगों को लग रहा है गाड़ी है तो उनको गाड़ी भी बांट देता हूँ फिर, है ना? ये कह रहे हैं कि जो गाड़ी हमारे पास है वो वैसे ही बांट दें और हमारा गेम शो वगैरह बंद करें और यहाँ से ये निकल जाए। हाल में गाड़ी लेकर निकलूं। चले अल्लाह करे कि आपकी गाड़ी निकल आए, अगर आपकी किस्मत में है तो। कितनी ऑफर की मैंने आपको अभी तक? 3 लाख। 4 लाख? 4। देखा, दिमाग से नहीं खेल रहे हैं, दिमाग को सुन करके बिठाया हुआ है आपने। जहन में ऐसे ही भूल गए, जहन में कुछ और है। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि जहन में आपके क्या चल रहा है। 5 लाख रुपए कैश, थोड़ी ऑफर बढ़ा। पाकिस्तानियों, ये 5 लाख रुपए की ऑफर कम होती है? किसको लगता है कम होती है? 5 लाख रुपए की ऑफर कम होती है? बहुत सारे होते हैं ना 5 लाख। फिर 2 बाइक्स भी है, एक आइसर की एलईडी भी है, और क्या चाहिए? लाओ यार रिबेल की वॉच भी लाओ, लाओ। चलिए एक रिबेल की वॉच भी आ गई यार, दो ले आओ, दो ले आओ। हाँ इनको हर चीज दो, हर चीज दो दो यार। आइसर की एलईडी भी दो ले आओ, लाओ। अब जरा संभल के खेलिएगा क्योंकि मैं ऑफर जरा कम कम बढ़ाऊंगा। पाकिस्तानियों, टोटल मिला के कितने पैसे हो गए? 5 लाख रुपए में कैश दे रहा हूं, 2 आइसटैग की एलईडी, 2 बाइक, 2 रिबेल की वॉच। अच्छा 7 लाख से याद आया, एक 800 सीसी कार कितने की आती है? 7.5 की भी आ जाती है, सेकेंड हैंड 7 की भी आ जाती है। तो किस किस को लगता है इसमें 800 सीसी कार है और किस किस को लगता है इसमें 1300 सीसी है? तुम्हें लगता है? तो 2 हाथ क्यों, एक खड़ा कर लो, दोनों हाथ खड़े कर दिए यार, सजा में थोड़ी खड़ा किया तुमने। 1300 सीसी है पक्का? 1300 सीसी है इसमें, लोगों का कहना है इसमें 1300 सीसी है, जोर से हाथ नहीं मार सकता इसमें मैं, तो जोर से हाथ नहीं मार सकता। इससे याद आया कि 5 लाख रुपए दे रहा हूं, 5.5 लाख रुपए कैश दूंगा, ये 2 बाइक। कौन कौन समझ गया इसमें क्या है? यार बोलने की थोड़ी हो रही है, मैंने कहा कौन कौन समझ गया इसमें क्या है, कौन कौन समझ गया इसमें क्या है? नहीं मुझे शोर से बताएंगे आप लोग। चलो ये लोग तो समझ गए सब, यहां की बारी, आप लोग आज की ऑडियंस बहुत ही इंटेलिजेंट लग रही है मुझे, एक भी सवाल का गलत जवाब नहीं दिया इन लोगों ने। इसका तो नहीं पता मुझे, अंडा अंडा बोल रहे हैं लोग। बच्चे कहाँ हैं सारे आज? तो बच्चे मिलके बोलेंगे अंडा। सारे बच्चे मेरे दोस्त हैं, ठीक है, मेरे साथ खेलेंगे सारे बच्चे। फोन आ गया, वो किसी ने फोन करके बताया होगा ना, हेलो ये हाथ नहीं लगाने पोटली को, इसका मतलब है कि पोटली जो है ना वो क्या पूछा घर से आपने? क्या कह रहे ऑफर की बात? माइक में बताइए ऑफर की बात, के ऑफर अच्छी है? अभी कुछ कम है, कुछ कम है ऑफर बढ़ाइए। अच्छा, बहुत कुछ कम। अच्छा कम लग रही है,
यार ये सारी चीजें जरा वापस तो रखो, ऑफर कम लग रही है भाई। अभी दिखाते हैं पोटली में क्या है, ऑफर एकदम से ज्यादा हो जाएगी या नहीं। सारी चीजें वापस, चलो ये चीजें तो आप लोगों के लिए बच गई, हम अपने लिए तालियां बजाते हैं एक दफा। अभी दोबारा फोन आएगा, फाइनल बात कर रहे हैं। अच्छा ऑफर कितनी ऑफर की थी मैंने आपको अभी तक? 5.5 साढ़े 6 लाख रुपए लीजिए और जाइए। देखिए बाकी सारी चीजें तो चली गई वापस, अगर इसमें कुछ अच्छा है तो फिर तो मैं मजीद और खेलता ना, चीजें बढ़ाता रहता। मैंने कर दी ऑफर कम, ऑफर बढ़ाया 6 लाख रुपए कर दी, 15-20 लाख। हाँ वो अगर उसमें ऐसी चीज होती तो करता, 15-20 लाख। ऐसी चीज ही नहीं है ना उसमें, उसमें गाड़ी तो आ जाएगी 15-20 में। हाँ आ जाती, अगर इसमें होती तो जरूर करता भाई। इनको 6 लाख रुपए लेने चाहिए या फिर यही ले लेना चाहिए? पोटली ले लेनी चाहिए? वो इशारे कर रही है 6 ले लो, 6 ले लो। 6 लाख रुपए ले लीजिए। वो फोन आया यार, उन्होंने सारी चीजें वापस रख दी यार, कम कर रहे हैं यार वो तो। स्लो स्लो बातें कर, हाँ ठीक ठीक। 6 लाख रुपए कैश, 6 नंबर पोटली पे 6 लाख रुपए कैश लीजिए। थोड़ी हो, रमजान और ईद भी आ रहे हैं, सोच समझ के खेलिएगा। चलिए 6.5 लाख रुपए और बोले। साढ़े 6 लाख रुपए। चले आप जब तक सोचे मैं एक क्वेश्चन करके आता हूं, लाओ कौन देगा जवाब? कोई है जो जवाब देगा? इन्हें माइक दे, रिबेल की वॉच के लिए पीछे, आपके पीछे। क्रिकेट में दिलचस्पी है? नहीं है। चलिए क्या नाम है आपका? जोर से बोले अफशीन। ये हुई ना बात अफशीन, 2018 का फुटबॉल वर्ल्ड कप किसने जीता था? यार इतना आसान क्वेश्चन है, लास्ट फुटबॉल। ब्राजील, ब्राजील, रशिया। 2018 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? इनको माइक दे आगे, आपके खड़े हो जाइए पहले। ब्राजील, अभी तो बोला है उन्होंने ब्राजील, अगर वो सही होता तो मैं बोलता ना कि सही बोला। बैठ जाइए। हाँ जी कौन देगा जवाब? 2018 का, जरा माइक दे, खड़ी जाए आप। क्या नाम है आपका? अनमोल। अनमोल क्या बोल रही हैं आप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में था? ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट की टीम इतनी खतरनाक है, लोग इतना डरते हैं कि हर स्पोर्ट में समझते हैं यही वर्ल्ड कप है, यही वर्ल्ड चैंपियन होंगे। नहीं ऑस्ट्रेलिया नहीं। कौन देगा जवाब? इन्हें दे देना माइक। फ्रांस। पाकिस्तानियों, फ्रांस ने जीता था, रिबेल की वॉच। साढ़े 6 लाख रुपए कैश, अपनी फाइनल ऑफर करूंगा मैं अब, या तो पोटली या फिर ऑफर, या तो आपका दिल या आपका दिमाग। 7 लाख रुपए कैश लीजिए और जाइए। 15 शर्मा के क्यों बोल रहे हैं आप मुझे? 15 दे दें, बोल रहा हूं मैं, कह रहा हूं कि आप मुझे दे रहे हैं, मैं आपको दे रहा हूं भाई। आप भी कह रहे हैं तो मैं अपने हिसाब से दूंगा ना आपको। ये भी सही है, ये भी सही है। तो 7 लाख रुपए ले लें फिर, वरना पोटली ले जाएं। ये मेरी फाइनल ऑफर है आपके लिए। आपको कैसे पता? आपने ऑफर की थी। आप बहुत समझदार हैं वैसे, समझाइए।
7 लाख रुपए कैश लीजिए, ये मेरी फाइनल ऑफर है, या फिर ये प्यारी सी पोटली ले लीजिए। क्या ले लें, ऑफर या पोटली? ऑफर या पोटली? ऑफर या पोटली? ऑफर, ऑफर या पोटली? ऑफर। दादा अंकल वहां से खड़े हो गए, वो नीचे आ जाएंगे, 7 लाख ले लो। अंकल क्या कह रहे हैं? अंकल वो कह रहे हैं 7 लाख रुपए ले लो। अंकल क्या कह रहे हैं आप? 7 लाख रुपए ले रहे अंकल कह रहे हैं। अंकल के मामले में दोबारा बोली जोर से, अंकल के मामले कोई अच्छी चीज होगी। अंकल के लिए बहुत सारी तालियां पहले। पोटली खोलने जा रहा हूं, क्लोज शॉट अंकल का लगना चाहिए, ठीक है? 7 लाख रुपए में अब ये पोटली मेरी। अंकल के लिए मैं आपको दोबारा ऑप्शन दे रहा हूं, अंकल को बिचारों को बीच में ना लाएं आप। अच्छा, अपने दिल या दिमाग की सुन लें। चले मुझे बताइए दिल क्या कहता है? जो कह दिया अल्लाह मालिक है। दिल क्या कहता है आपका? इसमें कुछ नहीं लग रहा मुझे। 7 लाख रुपए में आपको लग रहा है इसमें कुछ नहीं है? इसमें मैं आपके बातों से लग रहा है इसमें कुछ नहीं लग रहा। मेरी बातों पे ना जाइएगा, ना मेरी स्माइल पे जाइएगा, ना मेरी बातों पे जाइएगा। ये बातों के तो पैसे लेते हैं ये कौन था? खड़े हो जाइए। ये बात, थैंक यू अंकल, बैठ जाइए। अंकल भी सही आए हुए आज। अंकल प्रोग्राम देखते हैं हमारा है? अल्लाह मालिक। डील डन, 7 लाख रुपए में डील डन, ये हुई ना बात। चलिए जी, आर यू गाइस रेडी? अंडा तो नहीं है। भाई के गाड़ी है, किस किस को लगता है अब इनका फैसला ठीक है और किस किस को लगता है कि इनका फैसला गलत है? चलिए वैसे ही, वैसे ही अंकल मैं दोनों पे हाथ खड़े किए, 7.5 लाख रुपए कैश देता हूं, ये छोड़ दीजिए। नहीं आप तो बल्कि डील मान गए ना, ऐसे ही कह रहा हूं 7.5 लाख रुपए या फिर ये। अब सोच पड़ेगी क्या ये सही है, फिर 7 लाख दूंगा अगर डील लेंगे तो। मैं इसके लिए कह रहा हूं, ये नहीं चाहिए आपको? नहीं। 7 लाख रुपए डील डन? नहीं वो मैंने बोला अगर आप कार्ड लेते हैं, अगर आपने कार्ड लेना चाह रहे, नहीं अंडा अगर होता इसमें से अंडा निकलता फिर मैं अंडा ही निकाल के दिखाता, अंडा नहीं है। लेकिन जो भी है सोच लीजिए, अब जो कह दिया बस 7 लाख रुपए डन, डील डन। मैंने इनको ऑफर की 7 लाख रुपए कैश की, इन्होंने वो ऑफर मेरी कबूल कर ली। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने क्या जीता है और क्या ये हार गए। आर यू गाइस रेडी? 25 तोले सोना तो लुट गए, लुट गए तो लुट गए हम तेरी। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आज आपका दिल आपसे ठीक कह रहा था क्या? तकरीबन 15 लाख रुपए जीत के जा रहे थे आप बार बार कह रहे थे ना 15 लाख 15 लाख। अगर आप जाते इसके साथ पोटली के साथ तो तकरीबन 15 लाख रुपए जीत के जाते। फिर भी जो आपकी किस्मत में था 7 लाख रुपए, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। आइए जनाब नेक्स्ट कौन आएगा? फैमिली के साथ कौन कौन आया? यहां से शोर आएगा।
शोर आना चाहिए। फैमिली के साथ आए ठीक है, फैमिली के साथ आइए। इतने सारे लोग फैमिली के साथ आ गए, किसको बुलाओ? चले अपने अपने कूपन्स निकालें। GS227 आ जाइए जल्दी से जी। चलिए क्वेश्चन की कौन जवाब देगा? उन्हें माइक दे, ब्लू कुर्ता सलवार जल्दी से। रिबेल की वॉच के लिए कहां चली, तुम कहां चली गई? ये ब्लू कुर्ता सलवार, आराम से बेटे आराम से। अच्छा क्या नाम है? फरीद खान। फरीद, 2003 का वर्ल्ड कप क्रिकेट किस मुल्क ने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने, सही जवाब। 2003 का वर्ल्ड कप जीता था ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट का। रिबेल की वॉच, हाँ जी, और कौन देगा जवाब? ये जवाब तो सबको आना चाहिए, बहुत ही आसान है। इन्हें माइक दे। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ खान। यूसुफ खान साहब, पाकिस्तान के कौमी जानवर का नाम बताइए। मारखोर। मारखोर सही जवाब। आई बैग्स, रिबेल की वॉच, और कोई देगा जवाब? चले थोड़ी देर में आता हूं वापस। बेटा माइक दो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाथ लगा। क्या नाम है आपका? फैसल। फैसल, आपका? रोजीना। रोजीना, और छोटू का? यूसुफ। यूसुफ, फैसल एंड रोजीना। फैसल पढ़ते हो, क्या करते हो? कॉस्मेटिक्स की जॉब करता हूँ। कॉस्मेटिक्स की जॉब करते हो, अच्छा। पढ़ा कहाँ था कि तुमने? मैट्रिक। आगे क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तुमको क्या अजीब, दानिश भाई टीचर बन गए पढ़ाने के बाद? वसाइल नहीं है पढ़ने के। कहाँ रखूँ ये? वो कह रहे हैं ये पी लो तुम। लेके ही तुम आया, मैं थोड़ी लेकर आया हूँ यार। ये लो फैसल, तुम्हारा लकी नंबर क्या है? 6। आपका लकी नंबर क्या है? 4। तो 64 तो पोटली में हमारे पास है ही नहीं ना, 46 है, ये तो बड़ी लड़ाई हो जाएगी। तुम्हारा क्या नंबर है? 2। तो कितना अच्छा लकी नंबर है ना जी। तो कौन सा लकी नंबर लेकर आओगे आज अपना? 2 लाओगे? चलो छोटू आ जाओ मेरे साथ। माइक नहीं लाओगे तो बोलोगे कैसे? लाओ माइक। पता है क्या बोल रहा हूँ? अलादीन की कहानी सुनी है तुमने? एक जादूगर था, वो अलादीन को एक केज के पास लेके जाता है। उस केज पे कहता है कि तुम अंदर से जाके चिराग होगा वो मुझे लाके दे देना, जब तुम मुझे दे दोगे तो मैं वापस बुला लूंगा। तो अब तुम यहाँ बोलोगे क्या? बोल जा सिम सिम। बोल जा सिम सिम। चलो तो अंदर हो, तुम कहाँ रहे हो? अच्छा। छोटू लेके आया है पोटली नंबर 2। क्या है 2 नंबर पोटली में? अरे क्यों, कोई छोटा इनाम नहीं हो सकता? आप लोगों का या गाड़ी होती है या अंडा होता है, दरमियान का कोई इनाम ही नहीं होता। हमारे पास वाटर डिस्पेंसर भी होता है, जनरेटर भी निकलता है, टेनिस बॉल भी निकलती है, बाइक भी होती है कभी कभी। तो क्या है पोटली में? गाड़ी। मैं देख ही लेता हूं इसमें क्या है। अंडा, नहीं। सबसे पहले किसने बोला? किसने बोला अंडा? बहुत अंडे खाते हो तुम हैं? नहीं खाते, इसलिए तुम्हें अंडे याद आ रहे ना। चलिए, अंडे से याद आया, 1-0 के आगे कितने अंडे लगाएंगे तो लाख रुपए बनते हैं? तकरीबन 5। 1,00,000 रुपए कैश ले लीजिए। क्या नाराज हो गए आप? मैंने कहा 1,00,000 रुपए, ओ
गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेनी है आपको? जी। अब अगर इसमें गाड़ी नहीं है तो फिर कैसे लेनी है? है, गाड़ी है। दो पहियों वाली भी हो सकती है? ना, चार पहियों में जो होगी। हाँ? नसीब में जो होगी। और अगर है ही नहीं फिर? अरे नसीब। तो सोच समझ के खेलना बस, जल्दबाजी में नहीं खेलना, ठीक है? कैसे आयो? गाड़ी में। तो गाड़ी तो ऑलरेडी है इनके पास। बाइक है ना? बाइक पे आया। चलो लाओ यार इनको एक नई बाइक दो। बोल वाला स्क्रैच कार्ड की तरफ से एक बाइक, 1,00,000 रुपए कैश। लो जाओ। नहीं बेटे, 1,00,000 रुपए में कितने सारे कपड़े आ जाएंगे तुम्हारे? ईद की शॉपिंग हो जाएगी? तब्दीली आई भी और कुछ भी नहीं आ रहा। 1,00,000 रुपए में शॉपिंग हो जाती है ईद की? है? पाकिस्तानी हो? कितने की शॉपिंग करते हो ईद पे? 1,00,000 से भी ज्यादा? हाँ 5,00,000 की। अब्बू का है बेटे तुम्हारे? अब्बू का है तुम्हारे? नहीं आए। ईद पर कितने की शॉपिंग करते हैं जी? कितने की शॉपिंग करते हैं ईद पे आप? 1,00,000 की टोटल मिला के बहुत होती है 1,00,000 की शॉपिंग यार। जी 10,000 वाले भी है, 20,000 वाले भी होंगे, 25,000 वाले भी होंगे। 1,00,000 रुपए की बेहतरीन शॉपिंग होती है। शॉपिंग ही तो नहीं ना करनी, बल्कि 1,00,000 रुपए लो, इसी बाइक पे जाना शॉपिंग करने और 1,00,000 रुपए की शॉपिंग करके खुशी खुशी आ जाना। नहीं ऑफर बढ़ाए। चलो 2,00,000 रुपए कैश। 2,00,000 रुपए में इस भाई के लिए तुम सारी बातें। इस पे मैंने 1,00,000 रुपए में तो इसके कपड़े भी नहीं है। 2,00,000 में तो ये बच्चे। तो तुम सारी बातें इस पे क्यों डाल रहे हो यार? अरे लकी साहब आ गए आप। लकी के लिए बहुत सारी ताली होनी चाहिए। पहले मैं मिस करता हूँ यार, आप नहीं होते तो आपको, शहरी नहीं होते तो शहरी को, आप दोनों साथ जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। चलिए मेरे दोनों दोस्त आ गए ना, इसी खुशी में 3,00,000 रुपए दूंगा। 3,00,000 रुपए कैश। एक 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 बच्चे की आंखें फट गई। 1,00,000 मुझे दे रहे। एक 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 और एक बाइक। नहीं बच्चे को यकीन ही नहीं आ रहा, ऊपर देख ही नहीं रहा वो। पोटली लेके जाएंगे तो ले जाए, आपकी है। नहीं मुझे पोटली चाहिए। तो पोटली ले लें। जी 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 पोटली चाहिए आपको? जी। चलिए 5,00,000 रुपए कैश दूंगा। नहीं नहीं चाहिए। नहीं भाई, इनको 5,00,000 रुपए और एक बाइक नहीं चाहिए, किसी और को चाहिए? आप सब ले लेते ना तो किसी और को बुला लूं खेलने। कौन आएगा? कौन आएगा? एक दफा शोर करके बैठ जाते। कौन आएगा? ओ कौन आएगा? बेचारों के जज्बात से खेल रहे हैं आप लोग। इनको बोले उधर ही रहे। देखा, इनको बोले उधर ही रहे। 5,00,000 रुपए कैश। बच्चा गिनना शुरू हो गया है भाई, इनके दो हो गए तो मेरे। 5,00,000 रुपए कैश, एक बाइक लीजिए, एक आइस टैग की एलईडी भी लीजिए यार। तुम घर में दबा के छुट्टियों में गेम्स खेल लो। ये एलईडी रख लेना अपने रूम में और PS4 पे शुरू हो जाना। जून जुलाई आ रहा है ना, छुट्टियां आ रही है, रखो यार। एक आइस टैग की एलईडी भी आ गई, एक बाइक भी आ गई, गाड़ी नहीं आई। गाड़ी अगर इसमें नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा कहने का मतलब कि अगर हो भी सकती है। हाँ। लेकिन जरा सोच समझ के खेलिए। जी जो नसीब में, जो नसीब में है वही चाहिए तुम्हें। यहाँ तक पहुँचे हैं गाड़ी के लिए नसीब। तुम कैसे पहुँचे? मतलब नसीब ने यहाँ तक पहुँचाया। तुम्हारी किस्मत में था इस गेम के लिए निकलना, फिर तुम यहाँ आ गए हो और इतनी सारी चीजें ऑलरेडी जीत चुके हो, तो ले लो, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला है। सारी चीजों को रहने दे, एक पोटली चाहिए जिसमें गाड़ी है बस। पक्का इनको वापस रख दूंगा? पक्का, वो नसीब है, हम पोटली लेके जाएंगे बस।
हमें ये सारी चीजें नहीं चाहिए, एक जा ही चाहिए। भाई वापस रख दो। एक ही चाहिए गाड़ी बस। अभी देखते क्या निकलता है इसमें, अभी तुम्हारे, अभी देखते तुम्हारे अरमान आज पूरे होते हैं या नहीं होते। अच्छा चलो गाड़ी तुम्हारी निकल भी आएगी, तुम करोगे क्या? कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 20। ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है? बन जाएगा। अभी गाड़ी चलाना सीख ही नहीं है, बनेगा कैसे? बन जाएगा। अब ये नहीं बोलना ये चला लेगा, हर बात छोटे भाई पे डाल देता है। ये छोटी वाली चलाता है। क्या गाड़ी चलाता है? छोटी वाली बैटरी वाली। ये दोनों कौन है आपके? ये दोनों मेरे, ये भाई है, ये वो बेटा। तो आप समझाती नहीं है इन्हें? क्या समझा? शौक है। किस चीज का? ऐसी बातें करने का, टू डोर का। गाड़ी होनी चाहिए बस, हाँ। इस गेम में आने का बहुत शौक था इन दोनों को, तो इसलिए देखते तुम्हारी किस्मत में आज गाड़ी आए। हमारा फैमिली 6 लाख रुपए कैश दूंगा। नहीं जल्दी नहीं है, कोई ऑफर बढ़ा है। बहुत सुकून से खेली है, हर बार जरूरी नहीं है कि इसमें गाड़ी। इससे पहले वाला पोल्टी में क्या निकला था भाई? 25 तोले सोना, वो तो निकल गया, एक बड़ा इनाम तो ऑलरेडी निकल गया ना। अब हर पोल्टी में तो बड़ा इनाम नहीं होगा, अंडा भी हो सकता है, टेनिस बॉल भी हो सकती है, बाइक भी हो सकती है। तो बाइक से याद आया, तुमने बाइक तो रखवा दी ना। 6 लाख रुपए कैश दे रहा हूं, ले लो ना। कोई समझाने आएगा इन्हें? सारे आ जाएंगे। समझाने आएगा कोई? आइए माइक देने जरा। सारे आएंगे। नहीं नहीं एक आ गए ना, तुम्हें समझाएंगे। उधर से आ जाए, भाग के जल्दी से आ जाइए, जल्दी जल्दी जल्दी। 6 लाख रुपए कैश, 2 लाख दे रहे। 2 लाख मिल जाएंगे तुम्हें। क्या क्या आ जाएगा पता है तुम्हें? क्या क्या आ जाएगा? साइकिल आ जाएगी, PS4 आ जाएगा, सारे अच्छे अच्छे गेम्स भी आ जाएंगे, सारी बुक्स आ जाएंगी तुम्हारी पढ़ने के लिए, एक आईपैड भी आ जाएगा। तुम आई बच्चों को फोन पे लगा दो तुम। मैं काम की चीजें बता रहा हूँ। हाँ तो बेचारा ऐसे चीजें छीन लेता हूँ, कह रहा है काम तो मेरे ही आएगा ना। सलाम अलैकुम जी। इनको मैं 6 लाख रुपए दे रहा हूँ कैश, समझ नहीं रहे ये लोग। ले लें जी, मेरी एडवाइस है। नहीं सर, बस मेरा जजमेंट ये है कि इसी में ही पोटली में ही गाड़ी है। अगर नहीं हुई आप बोले? अगर नहीं हुई तो है, मुझे यकीन है हमारा नसीब। अगर बिजी होता तो मैं ले लेता। नहीं तो आप होते तो आप ले लेते जी, आप तो 50,000 भी ले लेते जी। ये भी कह रहे हैं आप? अगर वहाँ खड़े होते ना आप, शर्त लगा लें 10 लाख से कम में राजी नहीं होते आप। 6 लाख तो ले लेता मैं। 6 लाख ले लेते ना, समझदार आदमी है। रोजीना नाम है ना आपका जी? जरा सोच लीजिए 6 लाख रुपए जाते हुए कैसे लगते हैं। छोड़े यार मैं 7 लाख रुपए देता हूँ आपको। और बोले 7 लाख रुपए कैश लीजिए और जाइए। ले लो भाई, बोलिए ले लो भाई, ले लो भाई, ले लो। सात लाख रुपए कैश दे रहा हूँ। 7 लाख रुपए में एक सेकंड हैंड गाड़ी तो आ जाती है आराम से। तुम्हें गाड़ी चाहिए थी ना, 7 लाख रुपए में आ जाएगी आराम से गाड़ी आ जाएगी। क्या चाहिए बेटे? जहाज चाहिए तुम्हें? ट्रक चाहिए? क्या चाहिए? BMW चाहिए। क्या चाहिए? टू डोर चाहिए। टू डोर क्या गाड़ी? अलमारी। यार इन्हें रिबेल की वॉच दे मेरी तरफ से, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। ये लीजिए मलका का जूसर भी दे देने, लाइए मलका फूड का जूसर लाइए। उसको पता ही नहीं कहाँ। इन्वायरो का लिया बेटे, इन्वायरो जी। जी 7 लाख रुपए नहीं चाहिए? पक्का नहीं चाहिए? नहीं चाहिए भाई। 7 लाख रुपए नहीं चाहिए इन्हें, पोटली दे दूं। पोटली लेनी है, पोटली दे दूं।
दे दूं पोटली। ऑफर ऑफर भी जाना चाहिए। वो कह रही है ऑफर ले लें। मैंने ज्यादा ऑफर बढ़ाई, उनको गुस्सा आ गया ना, वो खुद ले लेंगे आके। हमने पोटली चाहिए 7.5 लाख रुपए कैश दूंगा, 8 लाख रुपए कैश दूंगा। ना 7-8 लाख में शादी नहीं होती आजकल। तुम पढ़ तो लो शादी। 7-8 लाख में शादी नहीं होती हमारी आजकल। अभी गाड़ी पे था, अब शादी पे आ गया ये। नहीं मतलब और किसी की बहन बहन की कहाँ होती। तो तुम पैसे लेके दे दोगे किसी और को? माइक में बोलो। हाँ। तुम ये पैसे किसी और को दे दोगे? नहीं। तुम कह रहे हो ना किसी की शादी, भाई किसी की शादी होने वाली है यहाँ पे, किसी की शादी अन करीब होने वाली है। हाँ तुम्हारी तो नहीं भी होगी, दोनों हाथ खड़े कर दिए, मेरी होगी। किसकी होने वाली है? गेम लंबा हो रहा है। पैसे दे रहे हैं ये लोग, किसकी शादी होने वाली है? तुम अभी अंडे खाओ। जिसकी होगी भी नहीं ना वो भी तैयार हो जाएगा, मेरी हो रही है इसीलिए। 8 लाख रुपए नहीं चाहिए? नहीं। पक्का? पक्का। पोटली नहीं। अच्छा इसलिए ऑफर लेनी नहीं, पोटली लेनी है। पोटली चाहिए आपको? जी। पोटली से कम में नहीं मानेगी। 9 लाख रुपए दूंगा आपको, और बोले अब आएगा ना मजा। 9 लाख रुपए कैश इतने सारे होते हैं, अगर 100-100 के नोट की कर लो तो इतने हो जाएंगे। आप उससे पूछ रही हैं? उससे? वो अपने छोटे बेटे से पूछ रही, बेटे ले ले, वो कर मम्मी। हाँ 9 लाख रुपए कैश ले लो या फिर ये ले लो? पोटली जी। फाइनल? फाइनल। दे दूं मैं पोटली? आप लोगों के सामने मैंने कितनी ऑफर की ने? रुपए कैश, और इनको नहीं चाहिए थी, नहीं चाहिए ना? नहीं नैब वाले छापा मार देंगे। क्यों मार देंगे? टैक्स भी तो दोगे ना तुम? जब टैक्स दे दोगे तो वो सारी चीजें सही है तुम्हारे लिए? नहीं भाई, टैक्स नहीं दोगे। पोटली लेनी है। अगर गाड़ी हमारे नसीब में होगी ना तो फिर टैक्स भी हमारे नसीब में होगा, तो फिर हम दे भी सकते। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए भाई कि आपकी गाड़ी निकले इंशाल्लाह। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर नहीं है तो फिर ये 9 लाख रुपए बहुत अच्छी रकम है। नहीं है, तीन है। 3 लाख 3। बच्चा भी सोचे जा रहा है। 9 लाख रुपए कैश ले लीजिए। नहीं ना। तुम ले लेते? कह रहे जाहिर सी बात है, ये पूछने की बात है कोई? इसको तो खुशी से ही कुछ हो जाता। 9.5 लाख रुपए कैश दूंगा। नहीं, पोटली लेनी। ये मेरी फाइनल ऑफर है। पोटली 9.5 लाख रुपए कैश ले लो या पोटली ले लो? पोटली दे दूं भाई। पोटली दे। फॉरेन। Yes! नहीं पोटली लेनी है। पोटली दे दो। पोटली। आंटी आपको क्या लगता है कैसी ऑफर है? बहुत अच्छी ऑफर को बेहतरीन करके जा रहा हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे, इनको सोचने का टाइम देके जा रहा हूँ। 10 लाख रुपए कैश दूंगा, लो और जाओ। और जब तक ब्रेक पे जा रहा हूँ अच्छी तरह सोचो कि पोटली जाना है लेकर या 10 लाख रुपए। सही है? ठीक। एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलेंगे गेम शो। ऐसे चलेगा। गेम शो ऐसे चलेगा।
जाने से पहले कितने पैसे बोल कर गया था आपको? 10 लाख। नहीं चाहिए? नहीं। सोच लिया इतनी देर में अच्छी तरह? हाँ जी, माइक में बोलो। ऑफर? ऑफर चाहिए जी? नहीं, पोर्टली। पहले आपस में दोनों बातें कर लेंगे क्या चाहिए। ऑफर? 10 लाख रुपए? पोर्टली। अभी पोटली में 15 लाख रुपए का सोना छोड़ा है उन्हें। एक बड़ा इनाम पोटली से निकल चुका है। जरूरी नहीं है कि हर पोटली में बड़ा इनाम ही हो। 10 लाख रुपए बहुत बड़ी ऑफर होती है, लेकिन अगर वो जाती है ना तो रात को नींद नहीं आती फिर। किसको लगता है 10 लाख रुपए इस पोटली के इनाम से ज्यादा है? किसको लगता है 10 लाख रुपए इस पोटली के नाम से ज्यादा है? है बहुत है ना 10 लाख रुपए? वो कह रहे बस बस बहुत हो गए 10 लाख रुपए। तो बोल के गेम शो में तो बड़े बड़े प्राइज रखे जाते, तो इसलिए हमें उम्मीद है, बोल टीवी हमें ही कर सकता है। अच्छा ही प्राइज होगा इसमें। प्राइज तो मैं भी आपको अच्छा ही दे रहा हूँ, 10 लाख रुपए दे रहा हूँ। शायद 10 लाख में पता है क्या क्या आ जाता है? नहीं पता ना, इसीलिए नहीं सोच रहे हो 10 लाख के बारे में। तुम वहां से करके बच्चे पे आई थे 10 लाख रुपए यूं होने लगे, क्योंकि उसको 1 लाख रुपए भी बहुत लग रहे थे। छोटू 10 लाख रुपए चाहिए ना तुम्हें? चाहिए ना 10 लाख रुपए? कह रहा चाहिए 10 लाख रुपए। अबे नहीं, पोटली गाली निकली। जी रुजीना जी, 10 लाख या पोटली? आखिरी 2 मिनट है तुम्हारे पास, मुझे नेक्स्ट गेम के लिए लोगों को बुलाना है, जल्दी से। गेम का नाम है, अभी तो मैं जवान हूं, मुझे चाहिए 10 डांसर चाहिए मुझे। कौन आएगा डांस करने? जीतने वाले को बोल स्क्रैच कार्ड की बाइक दूंगा। कौन कौन आएगा? रेडी हो जाए भाई। पोर्टली पक्का? 10 लाख रुपए नहीं चाहिए? नहीं। मुझे लग रहा है तुम घर जाके आज बहुत पिटोगे। वो नहीं होते मार मार के मार, अच्छा अब नहीं करूंगा और मार मार के मार। 10 लाख रुपए जी? जी क्या? हाँ या ना? ना। बच्चा तो फेंट होने वाला है। 10 लाख जा रहे, 10 लाख जा रहे, 10 लाख रुपए नहीं चाहिए। पोटली जाएगी? तो पोटली ले लो तुम यार। मैंने बहुत कह दिया, इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। दिल से लगा ली। एक फाइनल ऑफर दूं तुम्हें? मैं चाहता हूँ कुछ अच्छा जीत के चले जाओ। जी 10.5 लाख रुपए दूंगा। नहीं, नहीं। 10.5 लाख रुपए दूंगा, ले लीजिए, या मैं दिखाऊं कि क्या जीते हैं आप लोग। कार्ड भारी था, ऊपर से नीचे आ गया, इसीलिए कम हो गया ना। सारी चीजें उसमें कम हो गया। ज्यादा हो गया, दिल से नीचे ले आया मैं ये, देखे पेट पे आ गया। अब भारी है, संभाला नहीं जा रहा, इसलिए सोच लो। सोच लिया। पक्का जी? पोटली चाहिए? जी। पोटली दे दूं उन्हें? चलिए आप लोग कहते हैं तो पोटली दे देता हूँ, दे दूं। इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो यार? तुम अपने पास से दे रहे हो क्या पैसे? दे दो इन्हें। नहीं, वो उनका प्यार है। एक्चुअली वो चाहते हैं कि आप अच्छा इनाम लेके जाएं, लेकिन आप चाहते हैं कि मैं वो लेके जाऊं जो आपकी किस्मत में है। किस्मत पक्का? पोटली फाइनल है जी? आपकी किस्मत दिखा दूं, आपकी किस्मत में क्या था जी? 1380 का।
कभी कभार किस्मत ऐसा साथ देती है, वो बैठे हुए वहां पर किस्मत के साथ गाड़ी लेके जा रहे पाकिस्तानियों, बहुत सारी ताली होनी चाहिए यार। जनाब नेक्स्ट गेम, अभी तो मैं जवान हूं, कौन आएगा डांस करने? आ जाओ दोनों, और कौन आएगा? जीतने वाले को आइए बोल वाला स्क्रैच कार्ड की बाइक दूंगा, आओ। और कौन आएगा? ब्लू शर्ट आ जाओ, वाइट कुर्ता सलवार आ जाओ, तुम नहीं पीछे वाइट वाले आ जाओ। और कौन आएगा? किसी और गेम में बुलाता हूँ आपको, किसी और गेम में। वो पीछे आ जाओ, आज कितने हो गए? और कौन आएगा? दो और चाहिए मुझे, आ जाओ। ग्रे ग्रे कुर्ता सलवार, ग्रे ग्रे, चले आप भी आ जाओ भाई, चलो दस हो गए, आ जाओ भाई। अच्छा एक और गेम जिसका नाम है ये क्या कर दिया, फेस पेंटिंग का गेम है। मुझे चाहिए तीन कपल्स, कौन आएगा? आओ, कौन आएगा? फेस पेंटिंग का गेम है, कोई आएगा? आइए, आपके हस्बैंड कहाँ है? साथ आना है आपने। आइए, दो कपल हो गए, एक कपल और चाहिए। आइए, आने से पहले देख तो ले कि बनाना क्या है आज, क्या कौन करेगा आज? सारे हस्बैंड्स करेंगे अपनी वाइफ का मेकअप, और वो मेकअप है कुछ इस तरह का। आइए आइए, बड़ा शौक था आने का ना आप लोगों को। जीतने वाले को जाएगी आइसे चले। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये बनाना है आपने, कुछ आपने मेकअप करना है इनके। अब क्या करेंगे, आपने नहीं बनना ऐसा। आइए, कोई और कपल आएगा? एक कपल चाहिए मुझे और। आइए, वो जब बेचारी नहीं आना चाह रही भाभी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, चलो ना। अकेले नहीं आना है, वाइफ के साथ आना भाई। इतनी जल्दी मैं बीवी को वही छोड़ के मैं तो जा रहा हूं पहले। हैं? आपने बनाना है इनके भाई। कोई और आएगा? कौन आएगा? पहले सोच के आया करे, जो जा रहा है बैठी भी, हिम्मत करके आइएगा। फेस पेंटिंग का गेम है, मैंने पहले ही बताया। आप आएंगे? भाभी कहाँ? आइए जल्दी से दोनों। और कौन आएगा? एक कपल और चाहिए। एक मिनट, हस्बैंड कहाँ आपके? आ जाए दोनों जल्दी से। हाँ जी, अच्छा जाइए जाइए, मैं आपको बुलाऊंगा सिंगिंग के लिए, सिंगिंग के लिए बुलाऊंगा। प्रोग्राम कैंसिल। यार ये इतना खतरनाक तो नहीं है, लोग डर डर के जा रहे हैं इससे। पहले देख लीजिए, हस्बैंड ने अपनी वाइफ का मेकअप ये करना है। कौन आएगा, किसने आना है? आइए,
कोशिश कर लेंगे। जल्दी से आ जाए, जल्दी से आ जाइए ये लोग। आप लोगों का टाइम शुरू हो चुका है, स्टार्ट कर दीजिए मेकअप करना, स्टार्ट करिए। नहीं नहीं नहीं, वो मैंने आ गए, एक कपल आ गया। आइए जी, पहले डांसर कौन है हमारे साथ? आप हैं? Yes. मैंने बुलाया आपको? Yes. पक्का? पक्का। क्या नाम है? हसन मुर्तजा। हसन मुर्तजा साहब, डांस करने बुलाया है? कोई मसला नहीं है। मतलब करते रहते? नहीं, करता नहीं रहता। इट वुड बी फर्स्ट टाइम एवर इन माय लाइफ। आप एक लुक कराइए जरा वहाँ पर, वो दोनों गाने ऐसे डिसाइड करके बैठे हुए आपको नचाने के लिए। आई रिक्वेस्ट यू कि आपको सिंपल से गाने लगाइएगा, बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम ही ये डांस। इनके लिए सारे गाने सिंपल हैं, दोनों इतने सुरीले हैं, सारे गाने बड़े सिंपल तरीके से गा लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही बड़े शरीफ लोग हैं आपका। रेडी है जी? आइए, 3 2 1 गो। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं। लोगों से सुना है, किताबों में लिखा है, सबने यही कहा है, सबने यही कहा है कि प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, डरते नहीं, जो डरते हैं वो डांस करते नहीं। माड़ा है ते माड़ा नहीं, माइक दीजिएगा जरा। अरे दीवानो मुझे पहचानो, ये दुनिया का वाइट डॉन था ऐसा, जो मैं जो ऐसा डांस कर रहा था। डॉन खुद किसी को बताता है मैं डॉन हूं? नहीं नहीं। आई आइए, आइए जी, नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? आप तो वालेकुम सलाम, कैसा है भाई? अब खाली हाथ नहीं भेजना, तो डांस ऐसा कर लो, बाइक ले जाओ, डांस अच्छा किया। ये घड़ी बोल वाला स्क्रैच कार्ड की भाई, इंशाल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद मुजम्मिल। मुजम्मिल, शादियों वगैरह में डांस किया होगा? जी किया था। चलो आज देखते हैं कैसे कैसे। रेडी गाइस, 3 2 1 गो। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, हट जाएगी आपका क्या होगा जनाबे अली, आपका क्या होगा। मुस्कुराने की वजह तुम हो, मुस्कुराने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना, तेरे पिया अफगान चले पे, माशूक पर पे, कायल है तेरा दीवाना, भईवा भईवा, बंदूक दिखो के क्या प्यार करेगी, चेहरा भी कभी दिखाना, भईवा 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 भईवा। अच्छा ये क्या था, जितना डांस यहाँ किया हो यार, सुन जैसी भी दबाते तो यूं जाते थे, थक गए क्या? चले पाकुला का गिफ्ट एम्बल, उनको पाकुला पिलाओ यार, आप मां खड़ो के पाकुला पिए पहले। आइए जी, नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम, तुम पहले भी आए हो क्या? नहीं नहीं, फर्स्ट टाइम। माइक, क्या नाम है? कदीर कुरैशी। कदीर, अच्छा डांस करोगे, माइक ले जाओ। हमारे पास भी अमजद कुरैशी। ठीक है, करोगे? हां करेंगे। हमारे पास भी अमजद कुरैशी। क्या हाल है अमजद भाई? चलो देखते हैं आज कैसे डांस करेंगे। फैसल कुरैशी को भी हाई कर दो। दोनों कुरैशी कैसे डांस करते हैं आज? 3 2 1 गो। छन्नो की आंख में नशा है, दांत पे उसके दिल का निशा है, छन्नो की आंख में नशा है, दांत पे उसके दिल का निशा है, इस पे फिर उसकी आया है, ये दिल ले लिया है, ये दिल बोले चुरा लिया है तुम।
जो देखो नजर नहीं चुराना से बदल के मेरे तुम ज़िंदगी कहीं बदल न जाना से शौक बड़े ने मर जाने आए जी नेक्स्ट कौन है आ जाओ जल्दी से नेक्स्ट वालेकुम सलाम ये तुम्हारा दोस्त था इसीलिए क्लैपिंग कर रहे हो उसके लिए ये मत सोचना वो भी तुम्हारे लिए करेगा नहीं नहीं कर लेगा भाई कर लेगा अच्छा करोगे तो करेगा ना इंशाल्लाह अच्छा करोगे तो ये लोग भी करेंगे क्लैपिंग इंशाल्लाह क्या नाम है गुलाम हैसम इतना कपकपा क्यों रही है तुम्हारी बात डांस कैसे करोगे तुम कर लूंगा फर्स्ट टाइम चलो भाई हैसम के लिए रेडी 3 2 1 गो मुझको हुई ना खबर चोरी चोरी छुप छुप कर इस प्यार की पहली नजर तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम अब यहाँ से कहाँ जाए हम तेरी बाहों में मर जाए हम हवा हवा मतली मतली हो रही है क्या उसने नहीं बजाई तालियां तुम्हारे लिए पता नहीं वो चला भी गया वापस आ जाओ आए जी नेक्स्ट कौन है बेटे तुम कैसे हो डिबेट कंपटीशन में थोड़ी बुलाया हमने डांस करने बुलाया शक्कर वंडर से आ जाए तुमने उस पर प्रैक्टिस की हुई है नहीं। बस वही नहीं बजाना अब क्या नाम है तुम्हारा जुनैर जोर से तो बोलो जुनैर ये तुम्हारे घर वाले भी साथ आए जी आए कहाँ है वहाँ बैठे हाथ खड़ा करें भाई ये आपके साथ ही है पक्का अच्छा डांसर है अब नहीं भी है तो है हाँ हाँ ओ चलो सुनहर रेडी 3 2 1 गो तुम हो जहाँ मेरी जान है जहाँ ये जिंदगी हसी जिंदगी का है निशान मेरी जान नजरों से अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए ओ महजवानों से अल्लाह बचाए मस्त नजरों से अल्लाह बचाए चश्मे वालों से अल्लाह बचाए हर बला सर पे आ जाए लेकिन उसने वालों से अल्लाह बचाए उसने वालों से अल्लाह और उसने वालों से अल्लाह बचाए वो कभी होता है ना कि बहुत सारे स्टेप्स याद होते हैं किसी शादी में क्यों होते हैं वो सारे एक साथ याद आ जाए तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या क्या करना है क्या करना चाह रहे थे कुछ भी आइए नेक्स्ट कौन तुम तो पहले भी आए हो लग रहा है मुझे तो कोई बात नहीं आ जाओ भाई मैं ऐसे ही कह रहा हूँ यार क्या नाम है अफजल अफजल जी मुझे लग रहा है तुम बाइक जीत जाओगे शर्माने की क्या बात है यार अफजल अच्छा डांस करोगे ना तुम जी
कोशिश चले भाई रेडी 3 2 1 गो थोड़ा जया म्यूजिक नु दे दे तू पंजाबी टच जब छोड़ जाए थोड़ा सिलो कर ले मेरे भाई सायो भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी है तन्हाई प्यार नसीबा नाल मिलना हजूर रब कोलो दिल जानी मंगना जरूर हाथ लगाने मेरा दुनिया दे वारे ओ मेरे दिल मेरे दिल दा सरूर तेरे पीछे मैं इतना जज्बाती डांस इस कदर जज्बाती के डांस करते करते इसने उस्मान की तरफ यूं किया किसने भेजा जबरदस्ती वरना मैं किसने भेजा अम्मी ने अम्मी आपने भेज दिया से आ जाओ आइए जी नेक्स्ट कौन है वालेकुम अस्सलाम माइक तो लीजिए मैं थोड़ी पकड़ूंगा माइक मैंने बोला कि नेक्स्ट गेम का नाम है अभी तो मैं जवान हूँ सबसे पहले हाथी का खड़ा हुआ था आपको लगता है आप जवान हैं अभी तक माइक में तो बोले बिल्कुल क्या नाम है आपका आसिफ आसिफ जी ओहो कहाँ से ऐसे कह रहा हूँ यार आसिफ रेडियो 3 2 1 गो उच्चे अम्मा चाचा लिया मेरा पिया कर यार ओ लालनी 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 जाओ लालनी आइंदा कभी मत आना वालेकुम साहब क्या नाम है माइक माइक लीजिएगा क्या नाम है आपका फरकान फरकान साहब फर्स्ट टाइम है पहले ही बता दिया आपने कि मेरा फर्स्ट टाइम है इसलिए पता नहीं कैसा डांस हो जाए आज जो फर्स्ट टाइम वाला डांस होता है ना वो इतना अच्छा होता है क्योंकि इंसान को पता ही नहीं होता वो खुद को जज ही नहीं कर सकता कि मैंने अच्छा किया या बुरा बस कर जाइएगा आज कोशिश आपने जरा सा भी बेहतर डांस किया अभी जितने डांसर्स आए इनसे ये बाइक आपके साथ चली जाएगी इंशाल्लाह इसलिए आज आंखें बंद करके ऐसा डांस कर दें बस फ्लोर ना तोड़िएगा हमारा रेडी है चलिए रेडी 3 2 1 गो ओ बिल्लो रानी ओ अभी जान दे बिल्लो रानी कहाँ बैठे हुए थे ये माइक देना हमने जलसे में डांस करने बुलाया आपको क्या कर रहे हैं आप आ जाइए छोड़ रहे हैं आपका आपके बस का काम नहीं है आए जी नेक्स्ट एक और आएगा कोई आप आओगे आ जाओ खड़े जाओ यहाँ पर आगे इसके बाद बुलाता हूँ मैं किसको बुलाना है चलो रेडी आप क्या नाम है अब्दुल कादिर कादिर पहले डांस किया है जी किया है बचपन से सारी शादियों में मेहंदी हाँ बचपन से तो हंस क्यों रहे हो तुम हंस क्यों रहे हो सही हंसी है चले जी अब्दुल कादिर रेडी 3 2 1 गो कचरा रे कचरा रे तेरे कारे कारे Hey
तेरा होगा मुझ पर दिल चाहता है वो क्या बात है यार मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई अखियां लड़ी वो लड़ी बीच बाजार दिल मेरा लुट गया पहली बार ये अखियां लड़ी वो लड़ी बीच बाजार दिल मेरा लुट गया पहली बार उसको बुलाया मैंने कितनी बार आया निचंद ना एक भी बार टूटे टूटे हो गया दिल टूटे टूटे हो गया टूटे टूटे हो गया दिल टूटे टूटे हो गया टूटे 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 हो गया टूटे टूटे शुक्र है दिल ही टोटे टोटे हुआ है ये बीच में ये कौन सा स्टेप था हवा भरने वाला क्या स्टेप था ये इससे एनर्जी आ रही थी मेरा भाई आ जाओ आइए जी कौन है नेक्स्ट हमारे साथ माइक दीजिए जरा इन्हें ये अपनी ऑडियंस साथ लेकर आए क्या क्या नाम है आपका असद जी असद असद डांस करेंगे आप पक्का और बाइक भी जीत के जाएंगे आज इंशाल्लाह असद आए जी रेडी है आप लोग थ्री टू वन गो बिल्लो रानी ओ बिल्लो रानी का वो तो अभी जान दे ओ बिल्लो रानी का वो तो अभी जान दे तू बिल्लो रानी का वो तो अभी जान दे जलाई ले जिगर से पिया जिगर माँ बड़ी आगे बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया जिगर माँ बड़ी आगे जिगर माँ बड़ी आगे जिगर माँ बड़ी आगे बड़ी आ गए भाई और मुझे घर ले जाओ बाकी घर पे तुम्हारे दोस्त सही है हैं तुम लेके आए उन्हें इस ये तुम्हारे दोस्त हैं तुम ही लेके आए हो ना इनको आए जी सारे हो गए आ जाए जी आ जाइए अच्छा जी डिसाइड आप लोगों ने करना है कि आज बोल वाला स्क्रैच कार्ड की बाइक किसके साथ जाएगी जिनके ख्याल में ये वाले भाई तुम क्या अकेले आए थे तुम्हारे घर वाले भी तालियां नहीं बजा रहे जिनके ख्याल में ठीक है जिनके ख्याल में ठीक है आ जाइए आंखें क्यों नीचे करके मैंने तुम्हें क्या काम भेज रहा हूँ तुमको मैं अच्छा जिनके ख्याल में किसके साथ आए थे इसने भी तालियां नहीं बजाई इन्होंने भी नहीं बजाई जिनके ख्याल में ठीक है जी जिनके ख्याल में आप गए नहीं अभी तक अच्छा जिनके ख्याल में आप किसके साथ आए ये वो खुद ताली नहीं बजा रहे कह रहे ये आइए जिनके ख्याल में वहां से छोड़ आएगा ठीक है एक मिनट मैंने पूछा कब मैंने कब पूछा एक मिनट नहीं मुड़ा नहीं मुड़ा नहीं मुड़ा अरे नहीं ठीक है बस 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 जिनके ख्याल में बोल वाला स्क्रैच कार्ड की बाइक जाएगी आपके साथ बहुत सारी गाड़ियां भी जाएंगी पाकिस्तान
जी नेक्स्ट गेम खेलने कौन आएगा? सुर संगीत सिंगर कौन कौन है यहाँ पे? आओ सिंगर कौन कौन है? गाना सुनाने कौन कौन आएगा? आइए और कौन आएगा? आइए और कौन आएगा? गाना सुनाने और कौन आएगा? आओ कितने हो गए? एक को नहीं बुलाया मैंने, इनको बुलाया मैंने, आपको नहीं बुलाया मैंने, हाँ इनको बुलाया, ब्लू शर्ट आज आने दीजिए। कितने हो गए? एक हाथ, एक मिनट रुक जाइए मुझे देखने दीजिए मैंने किसको बुलाया। आप आइए बेटा, आप आइए, आप नहीं, आप नहीं, पीछे आपके, आप आइए, आपको बुलाया था मैंने, आप तो पहले आके जा चुके हैं, याद है मुझे अच्छी तरह। और कौन आएगा? गाना गाने कौन आएगा? आओ कितने हो गए? किनको? नहीं मैंने नहीं बुलाया, मैं बताऊंगा कि मैं किसको बुला रहा हूं। आओ आओ गाना सुनते तुमसे आज, अच्छा गाना गा लेना आज। आइए कितने हो गए? किसी और गेम में बुलाऊंगा आपको। और कौन आएगा? रुक जाओ, आइए आप, आप आ चुके, आइए आइए। कितने हो गए? तीन तीन हो गए, एक दो तीन, तीन खवातीन हो गए, एक एक और चाहिए। ब्लू, हाँ बेटा आप आ जाओ, हाँ बुला लो, चार और तीन हुए ना, दोनों को बुला लो, चार चार हो गए ना, एक दो तीन चार, चार नहीं नहीं आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं, वो पीछे जो आ रही बच्ची ब्लू वाली, आ जाओ जल्दी से, आप लोग डन हो गए? आइए सारे जल्दी से आ जाइए, आइए आइए जल्दी से आइए, हैं ले लिया आज, ये हुई ना बात। वो लग रहा है बड़े गुस्से में मेकअप किया आपने इनके, गहरा हर चीज गहरी है, चलिए दिखाइए खोल के जरा, डिसाइड करेंगे आप लोग जिनके ख्याल में ये ओके, जिनके ख्याल से हैं अच्छा, जिनके ख्याल से आज तक की एलईडी जाएगी आपके साथ, आ जाइए जल्दी से। पहला सिंगर कौन है हमारे साथ? इस शक्ल पे कैसे सेल्फी आप लगाएंगी कहां? आइए बनाइए, एक मिनट यार, बताएंगी कैसे कि इनके साथ तो मैं खुद सेल्फी लूंगा, ये लोग लगाएंगे कहां? लाइए मुझे दीजिए, इधर आइए आप, पहले इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। दानिश 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 दानिश, एंड में आपको बताऊंगा। आ जाइए नेक्स्ट, पहले सिंगर कौन है हमारे साथ? आ जाइए जल्दी बेटा, माइक दीजिएगा। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा क्या सुनाएंगी? मैं नूर जहां का गाना सुनाऊंगी। कौन सा? मैडम नूर जहां। मैडम नूर, मैडम नूर जहां का। और सबसे पहले प्लीज आप मेरी सिस्टर जो है उज्मा, उनको हाई कर दें, और मेरी भतीजी ईशल है उसको हाई कर दें। उज्मा एंड ईशल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैडम नूर जहां का सदा हूँ स्टार्टिंग से। रेडी 3 2 1 गो। आ
भी बताता हूँ मैं उनको। आइए जी, नेक्स्ट कौन है? आपने कहा था ना मुझसे गाना गाना है आपने, मुझे याद थे आप। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? शेख मोहम्मद असलम। क्या सुनाएंगे शेख मोहम्मद असलम साहब? रंगीले का गाना सुना था फिर। रंगीले साहब का कौन सा गाना गा? अरे गाँव मेरे मनवा गाता जा रहा। आवाज भी वैसी है। आइए गाँव मेरे मनवा गाता जा रहा। 3 2 1 गो। अरे गाँव मेरे मन हुआ गाता जा रे, गाना है ठुमक ठुमक। एक मिनट। गाँव मेरे मनवा गाता जा रे, गाना है ठुमक ठुमक। नहीं गाँव मेरे, मैं तो दूसरा गा लेता हूँ, दूसरा गा लेता हूँ। चलो दूसरा गा लेता हूँ, दूसरा गा लेता हूँ, दूसरा गाना। कौन सा गाई है बताइए? इसका किसका? दुनिया दे प्यार मिले कोई दिल, दुनिया दे प्यार मिले कोई दिलदार। लुट्टी है जुमाल। रेडी 3 2 1 गो। दुनिया दे प्यार मिले कोई दिलदार मिले आंदा सुभा दे अले वाचदा। लुट्टी है जमाल पाल। गाय गाय वो म्यूजिक चला रहे। कहां गा रहे हैं वो बता रहा। अच्छा कौन सा सुनाएंगे? तीसरा बताइए जो आपको अच्छी तरह याद हो। इंडिया का गाता गाइए। गाऊं? हां। कौन सा? वो लखन का। लखन राम लखन का। क्या गाना क्या है वो? ए जी ओ जी। ए जी ओ जी। चले 3 2 1 गो। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, करता हूँ मोय में तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का मन, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, करता हूँ मैं जो तुम भी करो जी। 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन, सजनों का सजन मेरा नाम है लखन। थैंक यू चाचा लखन। मुंह से म्यूजिक बजा रहे थे आप? नहीं सर, मैं तो कुछ नहीं बजा रहा। आइए आइए जी नेक्स्ट। बेटा क्या नाम है? फातिमा। फातिमा जगह पे हो पहले। क्या सुनाओगी फातिमा? ए सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ए सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। ठीक है कोई गाना चले। 3 2 1 गो। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं। तेरी पहुंच गया पैगाम, बना लीजिए। आइए जी नेक्स्ट कौन? बाइक तुम्हारे पास आएगी? क्या कह रहे थे तुम? यहाँ खड़े जाओ जाके दूर। क्या नाम है आपका? पूरम जायद। पूरम क्या सुनाओगे? मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। मुझको? कैसी बातें कर रहा है यार? आपको नहीं। अच्छा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। चले 3 2 1 गो। तुम मेरे हो इस पल, मेरे हो कल, शायद ये आलम न रहे, कुछ ऐसा हो तुम न रहो, कुछ ऐसा हो हम न रहे, बच्चे सो रहे, रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए।
भाई आगे करेगा तो ये सब सो जाएगा। आगे तो सुनाओ। मैं भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। बस एक बच्चा सो रहा था पहले, फिर तुमने जैसे कहा ना मैं, वो उठ गया बेचारा। वो आइए नेक्स्ट। क्या नाम है बेटा? अमरीन। अमरीन आओ, क्या सुनाओगी? नुसरत फतेह अली खान का सूफी कलाम। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का कौन सा सूफी कलाम? दम मस्त कलंदर। दम मस्त कलंदर, रेडी गो। सारे सा नी सा पानी मा पानी गरे गरे, सारे सा नी सा पानी मा पानी गरे गरे, सा 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 रे 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 गा गा गरे रे रे, सारे 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 गा मा गा मा पा मा गरे सा। सारे सा नी सा पानी मा पानी गरे गरे, सारे सा दम मस्त कलंदर, मस्त मस्त दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर मा अखी जा मलंगा हाथ अली 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 अखी जा। आइए जी नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। मैंने बुलाया ना आपको, पक्की बात है? क्या नाम है आपका? असद। असद माइक में। असद, असद क्या सुनाएंगे? तेनु प्यार हो गया मैंने सैया कह दिया, गड्डी तू मंगा दे तेल में पवा दिया। कौन सी गाना है जरा बताइएगा इनको? गड्डी तू मंगा दे तेल में पवा देंगे, पवा देंगे कोई मसला। गाड़ी बोली है आप तेल डलवा देंगे इंशाल्लाह सर। चलें रेडी गो। तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदी हां, तेनू प्यार हो गया मैनू सैया कहंदी हां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मेरा जी रहंदी, जे मैं तेरे कोल रहो ते मेरा जी रेंदियां। गड्डी तू मंगा दे तेल में पवांदी हां, गड्डी तू मंगा दे तेल में पवांदी हां, जे मैं तेरे कोल रवां ते मेरा जी रेंदियां, जे मैं तेरे कोल रवां ते राजी रेंदिया। सोनी अखां वाले बस वो बोलेंगे, मैं इतनी नहीं बोल सकता। आइए जी नेक्स्ट कौन है हमारे साथ? गाड़ी आप ले आए पेट्रोल मैं डलवा दूंगा, ये सही गाना है। बटर सिस्टम है, बटर सिस्टम बेहतरीन। क्या नाम है आपका? मैं हेना। हेना क्या सुनाएंगे हेना? जब कोई मुझे तो बताइए, मैं उनको बताऊंगा ना म्यूजिक के लिए। जब कोई बात बिगड़ जाए, रेडी गो। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम आए जी नेक्स्ट जल्दी से। ये लव सॉन्ग में वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? एक मित्रा पकड़ी गई। जब ये लव सॉन्ग्स आते हैं आप गाए आइए, इस बंदे का अपने ही फ्लैशबैक चल रहा होता है कभी ये। अब आप गौर कीजिएगा, जब भी कोई रोमांटिक गाना लगता है ना ये कहीं यहाँ होता है, यहाँ होगा यहाँ होगा, अचानक मेरी नज़र पड़ जाती है। कहाँ चले जाते हो? यहाँ खड़े रहो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, आप लोग भी देखिएगा इसे। चलिए आपका नाम क्या है? आमिर अली। आमिर क्या सुनाएंगे? तहसीन जावेद का दिल हो गया है तेरा दीवाना। दिल हो गया है तेरा दीवाना, तहसीन जावेद साहब को। रेडी रेडी गो। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं,
नादान है समझता नहीं बिन तेरे रहता नहीं दिल हो गया है तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं नादान है समझता नहीं बिन तेरे रहता नहीं कोई समझे ना समझे भाभी समझ गई भाभी भी समझ गई और इनके आने से पहले जब दो तीन सिंगर्स गा रहे थे तो इनके बच्चा जो वो कह रहा अब देखो पापा पता नहीं क्या करते हैं आ जाइए आए जी ये आया ना अब आएगा गाने का मजा क्या नाम है आपका जफर जफर क्या सुनाएंगे नाजी हसन बूम बूम आपको शर्म नहीं आती कोई मुजीब आलम का कोई मसूद राणा का यही आता है यही आता है एक तो नाजी हसन का गाना वो भी बूम बूम चले आप अच्छी तरह कोई दूसरा गाना सोच ले अगर गाना है गा तो ये भी सकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे फिर आपसे सुनेंगे गेम शो ऐसे चलेगा नादिया सन का बूम बूम सुना रहे आते ही वही है क्या चले ये रेडी है नादिया सन साहब का बूम बूम रेडी गो दिल में मीठी बजती है हलचल हलचल देखू तुझको मिला सहारा बिन तेरे नहीं गुजारा रोजाए सपने दिखाने वाले आ हम तुम जब मिलते हैं हम तुम आंखों आंखों में होते हैं बुम दिल बोले बुम बुम दिल बोले बुम बुम इतने क्यूट लग रहे थे ना बूम बूम बोलते हुए मैं आपको देख रहा था और बूम बूम आवाज आ रही थी मुझे आइए जी सारे आ जाइए जल्दी से सब हो गए बस बस आप ही लोग हैं पीछे किसको देख रहे हैं आप ही हैं आ जाइए जल्दी से जल्दी जल्दी आ जाइए लकी एंड शरी डिसाइड करेंगे कि आज का विनर कौन है जी आज सबने थोड़ा थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी लेकिन जो विनर है उन्होंने गाना बहुत मुश्किल लिया था अगर वो थोड़ा सा आसान गाना ले लेती तो शायद वो बहुत अच्छा गा सकती थी लेकिन क्योंकि गाना बहुत मुश्किल था और जो शुरू का अलाप था वो मैडम ने बहुत प्यारा और बहुत मुश्किल वो अलाप है वो हर कोई हर सिंगर ले भी नहीं सकता लेकिन आगे जो उन्होंने गाना गाया वो बहुत अच्छा गाया तो हमारे हिसाब से सदा हूँ अपने प्यार की सदा हूँ अपने प्यार की जिन्होंने पहले गाया था जी जी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए आइसेक की लड़ी जाएगी आपके साथ जनाब नेक्स्ट गेम के लिए कौन कौन रेडी है चक्कर पे चक्कर कौन आएगा खेलने चक्कर पे चक्कर आइए और कौन आएगा चक्कर पे चक्कर
आइए ब्लू शलवार कभी आओ आइए आओ आओ आए जी जल्दी से पहले कौन आएगा एक मिनट रुकिएगा सारे एक मिनट रुक जाइएगा जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा बोल स्क्रैच कार्ड होता है किस किस के पास है आप लोगों में से किस किस के पास है इस कार्ड पे हम देते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स पे 80% तक का डिस्काउंट और उसके अलावा पूरे पाकिस्तान से किसी भी एक खुशनसीब को देते हैं हम 800 cc कार और कोई एक खुशनसीब यहां से भी एक 800 cc कार आज घर लेके जाएगा सबसे पहले रमजानों की कर दूं उनको पहले भी मैं एक बात आप लोगों को बता चुका हूं आज फिर उसको बता देता हूं रमजानों में रोजाना हर रोजे में बोल स्क्रैच कार्ड के ऊपर कुरानदाजी के जरिए हम देंगे 10 लाख रुपए किसी भी एक खुशनसीब को मिलेंगे 10 लाख रुपए और वीकेंड्स पे सैटरडे और संडे को बम्पर प्राइजेस होंगे 25 लाख रुपए तो जितने ज्यादा आप कार्ड खरीदेंगे उतने ज्यादा जीतने के मौके होंगे आप सबके पास पहले सारे बच्चे का है मेरे दोस्त का है सारे बच्चे मिलके बोलेंगे स्टॉप ठीक है 3 2 1 E2521220292 नेक्स्ट कहाँ हैं बच्चे बच्चे रेडी है सारे चलो 3 2 1 स्टॉप E2521620236 नेक्स्ट रेडी है सारे बच्चे नींद तो नहीं आ रही किसी को चलो 3 2 1 E2521621696 ये कौन कौन कहां से स्क्रीन पे तो मैं हूं ये लोग भी आ गए शाहिद है कराची से सालिहा है लाहौर से और आलिया आलिया हैदराबाद से आलिया बट तो नहीं है ना अच्छा बात कराइए पहले कौन है हमारे साथ कॉल पे शाहिद हेलो वालेकुम सलाम शाहिद कैसे हैं आप शायद आपने हमारा बोल वाला स्क्रैच कार्ड खरीदा था जी जी खरीदा था जी हाँ या घर में किसी और ने खरीदा था नहीं मेरी मिसेस को दिलाया था उनको शौक था आपकी मिसेस बहुत लकी है पूरे पाकिस्तान से हम 3 लोगों को शॉर्टलिस्ट करते हैं गाड़ी की कुरानदाजी करने के लिए आप उनमें से एक है शाहिद साहब क्या करते हैं आप मैं शोरूम पे ब्रोकरी का काम करता हूँ शोरूम पे आप अच्छा नौकरी करते हैं तो आपके सामने तो खूब सारी गाड़ियां निकलती रहती होंगी आपको जरूरत है गाड़ी की बिल्कुल आपके पास अपनी गाड़ी है नहीं मेरी अपने पास गाड़ी नहीं चलिए आज देखते हैं कि किस्मत आप पे मेहरबान होती है या नहीं आपकी गाड़ी निकलती है या नहीं थैंक यू शाहिद नेक्स्ट कॉलर प्लीज जल्दी से मान तुम आ रहे हो हेलो 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 टीवी की आवाज थोड़ी कम कीजिएगा जी जी हैं अच्छा सुन रही थी आप हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सालिया कैसी हैं आप जी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह सालिया आपको बोल स्क्रैच कार्ड की तरफ से शॉर्टलिस्ट किया गया है गाड़ी जीतने के लिए जी अभी जीती नहीं है लेकिन हाँ सही बात है अभी तो नहीं जीती और जीत जाएंगे हैं अच्छा उम्मीद पे दुनिया कायम है उम्मीद पे दुनिया कायम है और आपके नसीब पे भी अच्छा मुझे बताइए सालिया क्या करती हैं आप मैं टीचिंग करती टीचिंग करती है जी कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाती है मैं 4 to 8 पढ़ाती हूँ गवर्नमेंट स्कूल में 4 to 8 पढ़ाती है टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में और आपके पास अपनी कोई कन्वेंस है गाड़ी है आपके पास नहीं जी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाती हूँ अच्छा तो आज अगर आपकी गाड़ी निकल आती है तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी बहुत आसानी हो जाएगी सही बात है अभी
किराए इतने ज्यादा हो गए कन्विंस किए कि परेशानी हो जाती है। चलिए देखते हैं आज आपकी गाड़ी निकलती है नहीं। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर प्लीज, जल्दी से चक्कर पे चक्कर वाले वार्म अप हो जाए, बड़ा मुश्किल गेम है ये। आलिया हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आलिया जी। पूरा नाम आलिया भट्ट तो नहीं है? हैदराबाद से बोल रही हूँ। हैदराबाद से बिल्कुल बोल रही है। मैं कह रहा हूँ आपका पूरा नाम आलिया भट्ट तो नहीं है? नहीं नहीं। क्या नाम है पूरा आपका? आलिया असलम। आलिया असलम साहब। आलिया क्या करती हैं आप? मैं सिलाई का काम करती हूँ, रेडीमेड कुर्तियाँ सीती हूँ। अच्छा आलिया साहब, आपको शॉर्टलिस्ट किया गया है बोल वाला स्क्रैच कार्ड की तरफ से गाड़ी जीतने के लिए। अभी तक गाड़ी निकली नहीं है बट शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। पूरे पाकिस्तान में से 3 लोगों को करते हैं, यू आर वन ऑफ देम। मुझे ये बताइए अगर आज आपकी गाड़ी निकल आती है तो आपके लिए क्या क्या आसानियां लाएगी? मेरे लिए ये आसानी होगी कि मैं अपने रेडीमेड कपड़े लोगों तक पहुंचा सकूंगी आसानी के साथ और उसको बेच के काम कर सकूंगी। बहुत बहुत ज्यादा सहूलत को बढ़ा सकूंगी। चले आज देखेंगे एंड में, मैं कॉल करके बताऊंगा कि आपकी गाड़ी निकली है या नहीं। थैंक यू। आइए जी चक्कर पे चक्कर, काशिफ जल्दी से आओ, गौर से देख लेंगे करना क्या है। देखिए अपना फोरहेड, अपना माथा आपने इस पे रखना है, 4 चक्कर लेने। 1, माथा नहीं उठना चाहिए, 2, 3 और ये 4। इस बकेट से बॉल पिक करनी है और उस बकेट में डाल देनी है, सिंपल ठीक है। फिर दोबारा 4 चक्कर लेंगे, फिर बॉल पिक करेंगे और वहां डालेंगे। चक्कर तो नहीं आते आप लोगों को ना? हैं? आते? चले हम भी देखेंगे कितने आते हैं। आइए जी पहले कौन आ रहा है? सबसे पहले आप आए, सबसे पीछे चले गए आप। हैं? चलिए आइए। क्या नाम है आपका? माइक दीजिएगा बेटा। फुरकान साहब चक्कर आते हैं आपको? अगर आप ही जाएं मैं थोड़ा वहां खड़ा हूं, बस मुझ पे ना गिरिएगा, इधर उधर कहीं गिर जाएगा ठीक है। चलिए रेडी, 60 सेकंड्स है आपके पास। 3, 2, 1 गो। दिस इज 1, दिस इज 2, 3, जल्दी 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 शाबाश, 4, चलो 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 चलो। ये जो हल्का हल्का सुरूर है ये तेरी नजर का कसूर है के शराब पीना सिखा दिया। चले 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 देख जल्दी से, 1, 2, 3, 4, चलो 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 चलो। हल्का अच्छा खासा बिल्कुल गहरा कुएं की तरह सुरूर है ये तेरी गेम का सुरूर है के शराब बिना सिखा दिया। चक्कर पे चक्कर के पहले कंटेस्टेंट थे जो 4 राउंड लेने के बाद एक कदम भी नहीं रखते थे, पहले गिरते थे। ये कह रहे थे पहले मैं गिर जाऊं, चक्कर वही खत्म हो जाए फिर जाऊंगा। नाइस। आइए जी नेक्स्ट कौन है? वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम साहब, नसीम साहब चक्कर तो कम आते होंगे आपको, क्या कह सकते हैं। चलिए रेडी, 3, 2, 1 गो। ये 5, 1, 2, 3, 4, चलो 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 चलो। हल्का हल्का नसीम है ये जो हल्का, जल्दी 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 हल्का नसीम है। चले 1, 2, बहुत आला, 3, 4, चलो 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 जल्दी से। हल्का सुरू शाबाश 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 सरदार, क्या नसर सरदार के पास, सरदार कलीमुल्ला तो सलीमुल्ला। चले चले एक और जाएगा, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी शाबाश। 1, बहुत आला, 2, 4, चला 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 चला। ये जो हल्का हल्का हॉकी लेके सपोर्ट लेते हुए टेंडर दिखने का था, टाइम अप हो गया था, 2 बॉल काउंट्स होगी। आइए जी नेक्स्ट कौन है? दो दो हैं, दो जल्दी से। क्या वही डर गए आप?
हल्के हल्के आ रहे मासी यार, ये क्या हो गया थोड़े इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल जिसको चक्कर नहीं आते ना उसके लिए गेम बहुत आसान है जी हाँ। तो आपको नहीं आते मुझे लग रहा है, नहीं आते, ये हुई ना बात, चले चक्कर ही नहीं आते। 3 2 1 गो। एक क्या बात, गो सरके सरके चल चलो 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 देखभाल के सुरूर है, छेती कर ले मेरे भाई, टांग कम रह गया है, जरा स्पीड पकड़ ले तो जीत सकता है। जा चलो 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 चलो, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। ये आप 3-4 चक्करों के बाद जैसे घूमते थे, हमें इनको थोड़ी उठाने को कहा था, यहाँ जाना था, 3 सेकंड आप यहाँ निकाल देते थे। आइए जी नेक्स्ट, जल्दी से जल्दी जल्दी आइए। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान साहब रेडी हैं आप जी? चलिए बेटा माइक ले, 3 2 1 गो। क्या बात है भाई, तालियां बजा दो पाकिस्तानियों। सारा जहान मस्त, जहाँ का निजाम मस्त, दानिश भाई को बचा के खम्मा बजा के भाग के जल्दी जल्दी। सारा जहान ये भाई जान, सारा जहान मेरा भाई जान। एक दो तीन चार, चले चले चले। जिसका मियाँ लंबा उसका भी बड़ा नाम है, जिसका मियाँ लंबा उसका भी बड़ा नाम है, जिसका मियाँ लंबा उसका भी बड़ा नाम है, उसका भी बड़ा नाम है। और ये बड़ा मुश्किल काम है। एक दो जबर जबर, क्या टाइम अभी हो गया, बस बस ये गिरे, ये गए, ये वाह वाह वाह। आइए जी नेक्स्ट, यार 3 बॉल्स जिसने भी डालनी मुझे लगता है वो विनर हो जाएगा आज। 4 लोगों ने तो नहीं डाली अभी तक। रेडी हैं आप? मुश्किल गेम तो नहीं है आपके लिए, पहले ही पूछ रहा हूँ क्योंकि इसमें लोग ज्यादातर गिर जाते हैं, आप देख लीजिए। खेलेंगे नहीं, खेलेंगे ओके चलिए, 3 2 1 गो। एक दो चले चले। बात किसको 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 इसको उसको इसको रोड क्रॉस करा दो, कोई है जो सिग्नल पार करा दे। मेरे बात किसको सताओगे, खेलेंगे आगे और चलिए। तालियां बजा दो, चले चले। मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह से घुमाओगे, कहां जाके बोल छुपाओगे। बस 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 बस, बाकी घर जाके। आइए जी ने, ये शूज वूज उतार के तैयार। आसिफ हुसैन, आसिफ साहब सर रख के ऐसा ना करिएगा कि सर के बल उल्टे हो गए पंखे की तरह, ऐसा तो नहीं है ना। चले एक मिनट, रेडी हो आप? आपको तो पहले ही चक्कर आ रहे हैं, खैरियत है? सब खैरियत है? ऐसा तो नहीं पहले चक्कर आ रहे थे बाद में चक्कर ही ना है, आएंगे यार। चलो आसिफ रेडी, 3 2 1 गो। एक दो चलो
ये जो पतला पतला सुरूर है, ये जो पतला पतला दुबला पतला 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 सुरूर है। बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, बिजली भरी है मेरे अंग अंग में, मेरे अंग अंग और मेरे अंग अंग में, मेरे अंग अंग, मेरे अंग अंग में बिजली। तालियां बजा दो पाकिस्तानियों, मुझे लग रहा है ये तीन बोले डाल देगा और यही जीत जाएगा। तालियां बजा दो। चलो 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 चलो। कांटों पे चलती हुई आए तेरे गांव में, देख बलम तेरी कसम चल पड़ पाओ मैं, देख बलम तेरी कसम चल पड़ पाओ मैं। चल बस बस बस। वाह भाई वाह। ये तो अभी चार पांच सेकंड और होते थे, चौथी बॉल भी डाल देनी। डाल देता। आए जी माइक देने। क्या नाम? काशिफ कुमार। काशिफ साहब आपको चक्कर कम आते हैं ज्यादा आते हैं? फिलहाल देख के आने लगे। चले देखते हैं, हम भी देखते हैं कितने आते हैं। अगर आपने तीन बॉल डाल ली इनके साथ टाई हो जाएगा आपका। चलिए रेडी 3 2 1 गो। एक बाबा दो तीन चार। चले 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 बहुत ही भारी भारी सुरूर है, बहुत भारी भारी। जज्बाती है मेरा भाई, जज्बाती है, चौकी डाल देगा ये या नहीं डालेगा देखते हैं। ड्राइवर की जिंदगी है जब खेल है, मौत से बचा तू सेंटर है, पप्पू यार तू लग जा साथी खैर। बस टाइम अब यार दोनों के लिए बहुत सारी ताली होनी चाहिए यार। यार दोनों को एक एक आज एक एलईडी दूंगा। आ जाए दोनों, आ जाए दो एलईडी दे। पाकिस्तानियों तालियां बजाओ। क्या बात है दोनों की यार, ऑल द बेस्ट। हां जी नेक्स्ट गेम, मुझे चाहिए 9 लड़कियां। म्यूजिकल चेयर कौन खेलने आएगा? आओ और कौन आएगा? आओ चले आ जाइए, आ जाइए और कौन आएगा? म्यूजिकल चेयर आओ बेटा, ग्रीन वाली बच्ची। और कौन आएगा? आओ पिंक, आओ ब्लैक और रेड आ जाओ। और कौन आएगा? कितने हो गए बेटा? जल्दी जल्दी आइए, जल्दी जल्दी आइए। नहीं नहीं इनको नहीं है, छोटी बच्ची हो गई हमें। कितने हो गए? गिनिए 2 3 4 5। हाँ जी कहाँ है? और कौन आएगा? आओ आप नहीं, आपके पीछे। कितने हो गए? आप नहीं, ये आप आ जाओ बेटा, ये बच्ची भी है, सही है ये। कितने हो गए? 5 6 7 आओ बेटा, 8। एक और चाहिए, छोटी बच्ची हो गेम। मैं नेक्स्ट में बुलाऊंगा किसी और गेम में। आओ बेटा रेड। कितने हो गए? 6 और लाओ ना, ये 3 4 5 6 7 8 और ये आ गई 9। एक और चेयर ले आओ। अच्छा फिर रहने दो, रहने दो। कितने हो गए? 6 7 8। रेडी हैं आप लोग? एक दूसरे को धक्का नहीं देना और तुमने तो बिल्कुल नहीं देना किसी को, ठीक है? चले रेडी गाइस 3 2 1 गो। पायल में गीत है,
अरे वो खाली है, 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 अरे अरे मतलब कि ऐसी को सीधा करके मैं बैठ जाऊं। आई बिट आउट। चले जी नेक्स्ट, रेडी 3 2 1 गो। तू लाख चले कोई थम थम के पायल में गीत है चम चम के, तू लाख चले कोई थम थम के पायल में है। अच्छा आ जाओ बेटा, चले जी एक चेयर आउट जल्दी से 3 2 1 गो। तू पिया से मिलकर आई है, बस आज से नींद पर आई है, देखेगी सपने बालम के। इतने स्लो खेलोगे बेटा, तेज तेज होना। चलिए एक चेयर और आउट, 3 2 1 गो। तू लाख चले गोरी थम थम के पायल में गीत है चम चम के, तू लाख चले गोरी। अरे काली था, वाह वाह, पहले कौन बैठा उन दोनों में देखिए जरा। ये तो दोनों साथ ही बैठे लग रहे हैं। दोबारा कर ले, आइए दोबारा दोबारा दोबारा, जल्दी खड़े हो जाओ। 3 2 1 गो। ये जीवन भर का रोग सखी तू है पगली रोग। आप आउट हो गई। अरे खाली एक, ये देखो लालच। इसका रिप्ले कराइए जरा, जैसे ही मैंने बोला खाली, अरे छोड़ो इसको, ये बैठ गई पहले, वैसे पहले वही बैठी थी ये। ओफो बेटे, तुम तो किसी को इंजर्ड कर दोगी। चलो 3 2 1 गो। ये जीवन भर का रोग सखी तो है पगली कहेंगे लोग, सखी याद आएंगे बादे बाद। आओ चलिए एक चेयर और आउट, 3 2 1 गो। तू लाख चले री गोरी थम थम के पायल में गीत है चम चम के, तू लाख चले री गोरी थम थम के पायल। आप आउट, आप आउट हो गए। चले जी तीन लोग रह गए, ये बच्ची नहीं छोड़ेगी मुझे लग रहा है किसी को। चल 3 2 1 गो। मैंने भी किया था प्यार कभी, आई थी यही झनकार कभी, अब गीत में गाती। अल्लाह, कौन बैठे इन दोनों में पहले दिखाए जरा। कुर्सी कह रही अम्मी, दिखाई दिखाई नहीं, ये बैठ गई, ये बैठ गई, अब आउट हो गई बेटा। आइए जी नेक्स्ट। अच्छा जी अभी 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 लेता हूँ बेटे, ये तो जरा दूर दूर ही रहना, मैं तो कह रहा हूँ ऐसी चली जाए नहीं कोई। चलो चलो 3 2 1 गो। शाबाश। तू लाख चले री गोरी थम थम के पायल में गीत है चम चम के, तू लाख चले। तुम हार गई यार, बहुत सारी ताली होनी चाहिए इनके लिए। आज तक क्या लड़ी जाएगी इनके साथ भी, लेकर आइए। कौन सा बच्चा, इधर आओ छोटू, तुम भी इधर आओ। एनवायरो अप्लायंसेस की तरफ से माइक्रोवेव जाएगा आपके साथ। आइए जरा धक्का चेक करना अपना डिस्प्ले में, ये देखिए जरा चेक, ये कुर्सी खींचने के मूड में थी तो बेचारी मेरी बहन वो बच गई, कहां गई, अभी गिर जाती। आज तक क्या ली बेटी, आप खुद ले जाओगे, वैसे ये हल्की सी होती है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, क्या चाहिए लाइए,
बजाइए आप भी बेटे, रेडी तो रखती हूँ मेरा म्यूजिक बजा बजा के ना। ये देखो यहाँ पर आओ, चलो पोटली खेलने कौन कौन आना रेडी हो जाए, चलो पोटली खेलने कौन आएगा, आज की आखिरी पोटली है ये, कौन आएगा आज की आखिरी पोटली खेलने के लिए, रेडी है आप लोग, चले अपने अपने कार्ड निकालिए, अपने अपने कूपन निकालिए, GS 300 300, GS 300, आइए जल्दी से, चले मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी बच गई है, कौन देगा जवाब, लाओ जल्दी से, हाँ जी कौन देगा जवाब, उन्हें माइक दे, माइक सलवार कमीज, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, आप डीवीडी देखते हैं, डीवीडी फुल फॉर्म क्या है उसकी, डिजिटल वॉइस, गलत गलत, किसी को पता है डीवीडी का फुल फॉर्म, वीडियो नहीं है, कौन देगा जवाब, बेटा पीछे उनको दे, ड्राइव वीडियो कैप्चर, गलत नहीं गलत, तो क्या मारो पाकिस्तानी हो, वो पीछे बच्चे को तो जाके, डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वीडियो विजुअल डिस्क, विजुअल, चलो क्या, डीवीडी विजुअल ट्रिक्स, डीवीडी विजुअल ट्रिक्स, जी दोबारा क्या, डिजिटल डीवीडी डिस्क, डिजिटल डीवीडी डिस्क, ये दुनिया में क्या है, माइक ले लो बेटा, और कौन देगा, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, उस बच्चे को दो ब्लैक टी शर्ट, हाँ तुम ही तुम, हाँ तुम बेटा, उन्हें माइक दे, भाग के डिजिटल वर्टिलाइज डिस्क, डिजिटल व्हाट, वर्टिलाइज डिस्क, वर्टिलाइज, ये तुमने पढ़ा, वर्टिसाइल, तुमने पढ़ा भी गलत है, गूगल कर रहा है कोई, पकड़ो इसको, कौन है ये, माइक कैमरा देखिए आपके सर पे, पूरा पाकिस्तान ने देखा है आपको ये करते हुए आज, इनको माइक दे, डिजिटल वेरेस्टिक, हाँ डिजिटल वेरेस्टल डिस्क, डिजिटल वेरेस्टल डिस्क, तुमने गूगल कर लिया, पढ़ नहीं पा रहे हो, डिजिटल वेरेस्टल डिस्क, ये मोबाइल भी हाथ में ही खुला हुआ है, वो देखो बैठ जाओ तुम, बैठ जाओ, कौन देगा जवाब, इस बच्ची को दो यार, तो डिजिटल वर्टिसाइल, वर्टिसाइल, वर्टिसाइल डिस्क, पढ़ के भी गलत बोल रही थी, मेरा मुंह पे वो उगला थोड़ा, वो हो गया, पान खा रही हो क्या, नहीं कुछ भी नहीं खा रही, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क सही जवाब है, ज्वेलर की ज्वेलरी, और कोई है, कौन देगा जवाब, कोई देगा जवाब, इन्हें माइक आपके आगे खड़े हो जाइए, क्या नाम, रिजवान जुबैरी, फ्रांस किस बर्रे आजम में, फ्रांस किस बर्रे आजम में, एशिया, आप नीचे आओ, आप नीचे आ जाओ पहले, कैमरे को तो दिखा, किस तरफ है एशिया में, अफगानिस्तान के बराबर में था फ्रांस, तो फिर कहाँ एशिया में, बांग्लादेश के पीछे, बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान था, फिर कहाँ, ये तो आपकी बराबर है, बताया इन्होंने यूरोप,
है ना, इन्होंने ही बताया ना, इनको जाएगा गिफ्ट, है ज्वेलर की ज्वेलरी जाएगी यूरोप, सही जवाब उनके लिए, आप जाके बैठ जाए एशिया में, बैक टू पोर्टली, ये लीजिए माइक दे बेटा। अस्सलाम वालेकुम। क्या क्या नाम है? नाम क्या क्या है आपके? कौसर। आपका बेटा? वर्दा। वर्दा, कौसर। और छोटू? अशर। आज तीनों में छोटू जरूर आए, क्यों? ये तो हमारी जान के साथ रहते हैं। साथ ही रहते हैं आपके। आप लोग ये गेम शो देखते हैं हमारा? जी जी, दिल्ली। सीख गए कि मैं क्या क्या ट्रिक्स देता हूँ? जी बिल्कुल। सीखते जा रहे हैं। कौन सी क्लास में हो? 3 में। इतने बड़े हो के 3 में? जब मैं तुम्हारे बराबर था तो मैट्रिक में था। टॉलर है ना? मैं मैट्रिक में था। वो सोच रहे हैं मैट्रिक में थे। अच्छा चलिए, कौन सी पोटली लाएंगे? नंबर 9। आइए, जो मर्जी हो आपकी वो नंबर लेकर आइए। आपको पता ही कैसे खुलता है दरवाजा? जी इसमें बोलिए ना, बोल जा सिम सिम, बोल जा सिम सिम, जाइए। नंबर 9। बिल्कुल सही है भाई। दो बड़े इनाम तो निकल चुके, क्या क्या निकला मैं भूल गया हूं। 25 तोले सोना और, तो दो बड़े इनाम तो निकल चुके, इसमें क्या होगा? टूथब्रश। गाड़ी। टूथब्रश कब दिया हमने? कौन कह रहा है टूथब्रश? ये चाहते ही नहीं है कि आप लोगों को अच्छा इनाम निकले, चाहते हैं अंडा, टेनिस बॉल। नहीं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। मैं देख लू ना कि आप लोग क्या लेके जाने वाले। यार कुछ अच्छा लिख रहे हैं। 10,000 रुपए कैश दे। पॉटरी। अरे खेल ले तो दो। मैंने अभी बोला ही था पोटली। उठते हुए कह रही थी क्या? पोटली लेना मम्मा, पोटली लेना। भले कुछ भी निकले पोटली में, ऐसा क्या है कि मैंने पहली ओवर 10,000 रुपए के दिए? सिर्फ सोच समझ के खेलना, सही? ठीक है, ठीक है। 10,000 रुपए कैश लीजिए और जाइए, वरना पोटली ले लें। नहीं नहीं नहीं, बहुत कम है, बहुत कम। मैं वही तो कह रहा हूँ आपसे कि मैं कम की ऑफर क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्या है उसमें कि कम है इतने पैसे? वरना मैं नॉर्मली 50,000 या 1,00,000 रुपए की पहली ऑफर करता हूँ। हो सकता कुछ कम हो। इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्या इतना कम है कि उसके हिसाब से 10,000 रुपए भी ज्यादा है? क्या कोई ऐसी चीज है इसमें जिसके हिसाब से 10,000 रुपए भी ज्यादा है? साइकिल। क्या क्या इसमें बताइए? अंडे से डायरेक्ट गाड़ी पे आ गए तुम। चलिए थोड़ी सी ऑफर बढ़ा दीजिए। थोड़ी सी बढ़ाऊं? थोड़ी सी। 1,00,000 रुपए कैश देता हूं मैं आपको। चलिए पोटली छोड़ दे। 1,00,000 तो बहुत। आप कह रही है थोड़ी सी बढ़ाई, मैंने बढ़ा दी। चलें बहुत ज्यादा बढ़ा दी। 1,05,000। नहीं अब थोड़ी सी मैंने ज्यादा बढ़ा दी, फिर कह रही हूँ और बढ़ा दे, कुछ फायदा तो हो ना। 1,10,000। चलिए और बोले। बहुत बहुत कम है। तो क्यों है कम? मैं इस पोटली के हिसाब से ही खेलूंगा ना, इस पोटली में जो सामान होगा उसके हिसाब से ही खेलूंगा। 1,10,000 रुपए उसके हिसाब से। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पोटली में ज्यादा हो और आप कम अमाउंट दे रहे हो, ऐसा भी तो हो जाता है। ऐसा भी होता है, तो सोच समझ के खेलिए ना। एवरीथिंग इज पॉसिबल। मैं तो कह रहा हूँ आप पोटली ले लें, कैश छोड़ दीजिए। वो तो आप शुरू से ही बोल रही हैं। तो आपको क्या चाहिए? आप बच्चे की भी नहीं सुन रही, मेरी भी नहीं सुन रही, ब्रीफ केस ला दूं मैं आपको क्या? नहीं तो मतलब थोड़ा सा ऑफर। चलिए 2,00,000 रुपए कैश देता हूँ। 2,00,000 भी कम है। कम तो नहीं है? नहीं बहुत कम है। कम तो नहीं है? बहुत कम है। सोच समझ के खेलिए जी, कुछ और आगे।
उससे क्या पूछ रहे? वो कहेगा मुझे 10 पाक की चॉकलेट दिलवा दें, एक पाकोला की ड्रिंक पिलवा दें। चलन दे दीजिए पाकोला के ड्रिंक। लाओ यार पाकोला पिलाओ बच्चे को, फ्राइज भी लेकर आओ। फर्स्ट स्टेप की ये वो मैं एंड में दूंगा, एंड में। अभी मैं आपको खाने पीने की चीजें दे रहा हूँ इस बच्चे के लिए, ये खा लेगा ठीक है। चलिए ये डील में शामिल नहीं है, डील में है 2 लाख रुपए। नहीं नहीं 2 लाख लाओ यार, आइस टैग की एलईडी भी लाओ। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है पाकिस्तानियों, एलईडी बहुत सारी बच गई है, किसी को चाहिए? ठीक है अभी देता हूँ। क्या पढ़ा दे? ऑफर ऑफर ये ऑफर में ही शामिल है, बहुत कम है। 2 लाख रुपए यार लाओ, बाइक भी लाओ यार, बोल वाला स्क्रैच कार्ड की बाइक भी आ गई। चले एक बाइक आ गई, आज तक की एलईडी आ गई, 2 लाख रुपए कैश भी आ गए। वो मैं आपको जाते वक्त वैसे ही दे दूंगा, पहले आप ये तो खेले भाई। लालच ये तो कम लग रहा है मुझे, ये ऐसी जगह आके खड़े हो जाते लोग, इनको जितना भी देते जाओ कम है। सोचो 2 लाख रुपए भी जा रहे हैं, बाइक भी जा रही है, वो है फर्स्ट स्टेप की भी गिफ्ट हैम्पर दे दे। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड में दूंगा आप लोगों को। सब आप लोगों का ही है, ये सब खाली हो जाएगा। अभी हम अपने साथ वापस लेके कुछ नहीं जाते, सब देके जाते। बढ़ा दूं? जी। 4 लाख रुपए कैश दूंगा, डबल कर दी मैंने अपनी ऑफर, 4 लाख रुपए कैश, ये सारी चीजें लें। और ऑडियंस नहीं चाहिए? ऑडियंस नहीं चाहिए? पोटली दे दूंगा मैं, पोटली दे दूंगा मैं, सोच लीजिए। देखते हैं ना अभी। 5 लाख रुपए की ऑफर देता हूं, एक बाइक एक आइसक की एलईडी के साथ, अच्छी तरह सोचें। मैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आता हूं। गेम शो ऐसे चलेगा। गेम शो ऐसे चलेगा। क्या सोचा ब्रेक में आप लोगों ने? 4 लाख रुपए कैश, बल्कि 5 लाख रुपए कैश, एक बाइक एक हैं? 10 लाख बट थोड़ी रहे, खेलने आए ना, बांटने थोड़ी आए। नहीं बांट ही रहे हैं ना यहाँ खड़े होकर, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। गेम भी है साथ में, तो इसके अकॉर्डिंगली खेल रहे हैं। आपकी किस्मत आपको यहाँ तक लेकर आई, फिर आपकी किस्मत ने आपको निकलवाया नंबर 9। अब आपकी किस्मत दो जगह बढ़ गई है कि स्पोर्टली में क्या है वो लेके जाएं, या मैं जो ऑफर कर रहा हूं वो लेके जाएं। इस गेम को जीतना आप लोगों ने, 10 लाख तक कर दीजिए। क्यों कर दें? क्यों? इसमें कोई ऐसी चीज होगी ना, हो सकता है इसमें बहुत कम हो, तो फिर ये ना लीजिए 5 लाख रुपए कैश और ये दोनों चीजें ले लीजिए। और ये भी हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा हो, तो फिर पोर्टली ले लीजिए, ऑफर छोड़ दीजिए, जो आपको बेहतर लगेगा वही कीजिए। क्योंकि हमारी बेटी जो कहती है वो कुछ सही सही होता है। अच्छा, मैंने कहा जो हमारी बेटी कहती है वो कभी सही नहीं होता। नहीं नहीं होता है ठीक। बेटी कह रही है कि पोटली ले ले, वही ना, डबल माइंडेड हुई। चले मैं भी आपको डबल माइंडेड कर देता हूँ, मैं आपको 6 लाख रुपए कैश दूंगा, एक बाइक दूंगा, एक आइसक्रीम की एलईडी दूंगा, ले लीजिए और जाइए। रमजान आने वाले, ये 6 लाख रुपए आपके काम आ सकते हैं बहुत, प्लस एक बाइक और एक एलईडी तो आ ही गई है। पता नहीं दिल कह रहा है कि शायद पोटली में कुछ ज्यादा है। दिल तो बच्चा है, दिमाग से खेलिए। दिमाग 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 से खेलिए। कंफ्यूजन, किसको लगता है ये ऑफर बिल्कुल ठीक है इस पोटली के लिए? 6 लाख रुपए
एक बाइक, एक आइसे की एलईडी, किसको लगता है? आपको लगता है ये ऑफर ठीक है? आप तो ले लेते। 6 लाख रुपए का डिजिट आपने अपने लिए बना लिया है कि अगर ये आपको दिए जाते आप तो रख लेते, आप तो ले लेते ना। क्या बात है, 10 लाख कर दीजिए, थोड़ी सी बढ़ा दो इस बच्ची के लिए, 7 लाख रुपए कैश दूंगा, ले लीजिए और जाइए। 7 लाख रुपए कैश, एक बाइक, एक आइस टैग की एलईडी, ले लीजिए। आखिरी 1 मिनट है आपके पास सोचने के लिए। पाकिस्तानियों क्या कहते हो, तो जोर से बोलो। सात लाख रुपए कैश, 10 लाख कर दीजिए। क्यों? मैं खिलाऊंगा आपको, आप नहीं बताएंगे कि मैंने कितने पैसे बढ़ाने। पोटली या 7 लाख रुपए? बार बार वो यही कह रही हैं कि पोटली ले लें। तो पोटली ले लीजिए फिर। डन कर दूं? डन कर। पोटली। पोटली? फाइनल? बच्चों का कहना मान लेते हैं। पोटली। कंफर्म? कंफर्म। पोटली ना? पोटली चाहिए ना आप लोगों को? एक बार और सोच ले। 8 लाख रुपए कैश, एक बाइक, एक आइसटैग की एलईडी दूंगा, चाहिए या फिर मैं दिखाऊं कि आप क्या जीती हैं? लेकिन आखिरी 15 सेकंड दे रहा हूं, सोच लीजिए। 8 लाख रुपए कैश, एक बाइक, एक आइस टैग की एलईडी, जल्दी बोलिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑफर गई बेटा, वापस सारी चीजें वापस। नहीं चाहिए ना आपको ऑफर? जो लाख है बस, वो जो है बस, अल्लाह के मर्जी। मैंने कितने की ऑफर दी भाई? अल्लाह को मंजूर। और एक बाइक और एक आइसटैग की एलईडी भी इनको नहीं चाहिए थी। जानते हैं क्यों नहीं चाहिए थी? क्योंकि इनके नसीब में 1300 सीसी गाड़ी थी। पच्चीस तोले सोना था आपके नसीब में, गाड़ी नहीं थी। 25 तोले सोना जाएगा इन लोगों के साथ। नॉट बैड, नॉट बैड। आपको पता है कितने का आता है? तकरीबन कितने का आता है 25 तोले सोना? कितने का आता है? तकरीबन 11, 12, तकरीबन 15 लाख का आता है। नहीं नहीं, 15 लाख। और मैंने आपको कितने की ऑफर की थी? आपने 10, 7, 8 लाख। 8 लाख। तो अगर आज आप मेरी ऑफर ले लेती तो कितने रुपए का नुकसान करके जा रही थी पता है? 7 लाख रुपए का। पाकिस्तानी बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। अच्छा, बॉल स्क्रैच कार्ड का विनर अनाउंस करना है। लाइए जी बॉल, लाइए जल्दी से। कोई बच्चा आ जाए, एक आओ जल्दी से आओ। इतनी छोटी बच्ची है, इतनी प्यारी बच्ची है, क्या नाम है इसका? आयशा। आयशा, इसमें से एक निकालो, सिर्फ लाइए मुझे दीजिए। अच्छा, इसके लिए लाइए जी सस्सी फूड्स के गिफ्ट हैंपर लाइए, और पाकोला का भी गिफ्ट हैंपर लाओ बच्ची के लिए। E25216202336 कौन था ये? सालेहा जो टीचर थी, बात कराइए हमारी जल्दी से। हेलो,
हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुआलिया कैसी है? वेलकम बैक। जी अल्लाह का शुक्र। सोई तो नहीं थी आप अभी तक? नहीं नहीं। क्यों, आपको क्या लग रहा था कि आपकी गाड़ी निकल आएगी? हाँ उम्मीद है ना मुझे। किसकी? अल्लाह से। आपकी उम्मीद पर बोल वाले पूरे उतरे। 800 सीसी कार बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी बाकी में आपका ही नाम निकला तभी मैं कॉल कर रहा हूँ आपको। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, शुक्रिया। अच्छा जल्दी से मैंने कहा था कि एक गाड़ी यहाँ भी किसी एक के साथ जाएगी, किसको दूं? 800 सीसी कार किसको दूं? किसको? आपको दे दूं, बाकियों को ना दूं? किसको दूं? अपने अपने स्क्रैच कार्ड निकालिए। बच्चे कहाँ है मेरे दोस्त? बच्चे कहाँ है सारे मेरे दोस्त? रेडी हैं आप लोग? स्टॉप बोलेंगे 3 2 1। A1 2 2 3 2 1 0 6 4 0। किसका नंबर है ये? चेक करें। जी कितने वाला कार्ड लिया था आपने? पाकिस्तानियों 1000 रुपए की 800 सीसी कार, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बैठ जाइए बैठ जाइए। अच्छा जी लूट लो, कौन खेलेगा? लूट लो खेलने के लिए रेडी है? लूटेंगे? जाइए जी जल्दी जल्दी सवाल, जल्दी जल्दी लाओ। Take a look at it. फूल बस्ती के गिफ्ट टेम्पल, बैठ जाइए बैठ जाइए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। फूल बस्ती के गिफ्ट टेम्पल जी, और कुकिंग वाले के गिफ्ट टेम्पल, वटाट वाले गिफ्ट टेम्पल, मुगलिया के गिफ्ट टेम्पल, मुगलिया के गिफ्ट टेम्पल, What are you doing? आगे लेकर आगे इन्वायरो के अप्लाइंसेस लो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ, मैं बुदाऊंगा पीछे आ रहा हूं। इन्वायरो के अप्लाइंसेस, बैठ जाइए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, पहले लड़ो नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अनवायर आपको बहुत सारी चीजें की, बैठ जाइए। अनवायरों के अप्लाइंसेस उस तरफ चलो, उस तरफ चलो। अनवायरों के अप्लाइंसेस पीछे, उनको ब्लू शर्ट ब्लू शर्ट ब्लू शर्ट ब्लू शर्ट, अच्छा बेटा इनका। अनवायरों के अप्लाइंसेस, बल्का बूट रेडी, एसबीसी चीज ऊपर ऊपर जाके बैठे बैठे, आप जाके बैठी बैठी है, जाके बैठो बेटा। एसपीसीजी डॉक्टर टूथपेस्ट, हट जाओ
डॉक्टर टूथपेस्ट के गिफ्ट सैंपल्स, पोटैटो के गिफ्ट सैंपल्स, ये देख रहा हूँ परमा, देख रहा हूँ एसबीजीजी, बोलो बोलो पाकिस्तानियों, आज तक की 5 एलईडी बाकी है, किसको चाहिए? मैं बॉल फेंक रहा हूं, जो कैच करेगा उसकी एलईडी। रेडी रेडी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और किसको चाहिए, और किसको चाहिए? मिस हो गई, मिस हो गई, किसको चाहिए? ये लो, आ जाओ जल्दी से, चार वैलिडी दो, शहरी लगी जल्दी से, एक मिनट, एक ऐसे भी और है, बोलो बोलो बोलो, एक और बच गई है, किसको दो, किसको चाहिए? जहां से शोर आएगा वहां फेंकूंगा, किसको चाहिए? आ जाओ जल्दी से, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा अच्छे सारे, आ जाओ जल्दी से, पढ़ती रहे बचा ले ये रोशनी चलता रहे, ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहां, पढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान।